यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फैमिली फंक्शन है। तो क्या कहता है हम लोग बाहर से फोटो लेना शुरू करें? पहले फंक्शन खत्म हो जाने दो बेवकूफ, जहाँ जाते हो दिमाग में शूटिंग ही चलते रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि सनी चैन गुस्सा हो गया हो। अब समय आ गया है जब हमें रूटीन शूटिंग का तरीका बदलना होगा। तुम्हें देखना चाहिए कि आजकल लोग शादी समारोह को किस तरह से कवर कर रहे हैं, जैसे बिहाइंड द सीन्स वगैरह। ऐसा रहा तो एक दिन फर्स्ट नाइट भी कवर करवाने लगेंगे। ये भी हो सकता है। अभी तक कहाँ थे तुम लोग? चाचा आपको इतना बड़ा न्यूज नहीं मिला? हाँ। क्या दिवाकरन का नया हाथी आपे से बाहर चला गया और त्रिशूर शहर में जमकर उत्पात किया, जिसकी वजह से शहर में कोई गाड़ी नहीं जा सकती। ओल्लूर से यहाँ आने के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हाथी ने इतना उत्पात मचाया कि उसका वीडियो लेने चले गए थे। आजकल ऐसे वीडियो का टीवी चैनल में बहुत डिमांड है और हम उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं, उससे हमें पैसे भी मिल सकते हैं। क्या? ये नया लड़का है, पहले फिल्म डायरेक्शन सीखने गया था और छोड़कर मेरे पास आ गया है। ओके वली और माची से शूट शुरू करते हैं। अम्मा जी तो अभी तैयारी हो रही हैं, तुम यहीं से शुरू कर दो। ओके सुनो, इस समय हर इंसान बहुत बिजी है, इसलिए आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूं। मुझे सबसे मिले काफी समय हो गया, मैं सबसे मिलना चाहता था। सब बिजी है, लेकिन अभी तो अम्मा जी के जन्मदिन पर हर आदमी अपना काम छोड़ के यहाँ आया हुआ है। और सुनो, तुम हमारी फैमिली का एक अलग वीडियो सीक्वेंस बनाना, वो जरा अच्छा रहेगा। चलो, ये है मेरे बड़े भाई कुंदन जी, ये उनकी वाइफ हैं, इनके दोनों बेटे दुबई में रहते हैं। ये मेरे दूसरे भाई हैं वीरेंद्र, और ये उनकी पत्नी, इनके बेटे मस्कत में रहते हैं। हाँ, ये श्रवण जी हैं, मेरे चाचा हैं, और ये मेरी चाची, इनके दोनों बेटे कुवैत और बहरीन में रहते हैं। हाँ, सुषमा चाची, ये सुषमा चाची एंड फैमिली, इनकी बेटी बेंगलुरु में सेटल है। अम्मा कहाँ चली गई, अभी देखता हूँ। हाँ आओ आओ, ये मेरी तीसरी बहन और ये सब उसकी फैमिली, इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छे से वीडियो बनाना। हाँ ओके। लगता है डीवीडी की कई कंपनियां बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ी फैमिली है। आप लोग ठीक हो ना? लीला, खाने में नमक कम लग रहा है, जरा लेकर आओ। मैंने तो हिसाब से ही नमक डाला था। फिर भी कम है, आज 50 लोगों को खाना खिलाना है, मैं नहीं चाहती कि खाने का टेस्ट खराब हो जाए।
जाओ ले आओ। अम्मा आप यहाँ पर हैं, आपका पुजारी जी वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आज के दिन किसी कैटरर को बुला लेते हैं। अरे ओ कैटरिंग वाले, जरा चेक कर देखो तो, ये बीफ फ्राई है, घर में जितना टेस्टी बनता है उतना कैटरर वाले नहीं बनाते। हाँ सही कहा, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अब तुम खाना बनाना बंद करो, मेरे साथ चलो अम्मा। चल रही हूँ। लीला प्लेट का खाना जरा चेक कर लो। मैं चेक कर चुकी हूँ, चेक कर लो। ये नया फादर है क्या? इनका नाम क्या है? जो भी मैथ्यूज। हे भगवान, ये तो कुछ नया नाम लगता है। मैं तो उन्हें जो भी अचंकी कहकर बुलाऊंगी, ऐसा लगता है ये किसी छोटे बच्चे का नाम है। उन्हें मथाई अंचन कह सकती हूँ क्या? तुम्हारी जो मर्जी बुला लेना, अभी मेरे साथ चलो। चलो। यही वो फादर है जिनका तलाक हो गया है? हाँ सही कहा, ये तो अभी केवल 30 साल का ही है। बड़े फादर के चले जाने के बाद अब सब कुछ यही संभाल रहा है। पहली पत्नी के साथ ऐसा क्या लफड़ा हो गया था? पता नहीं, अब फादर लोग भी तलाक लेने लगे हैं। कैसा जमाना आ गया है। अब हम लोग प्रार्थना शुरू करें क्या? इसके बाद मुझे एक और घर में भी जाना है। एक मेंबर आना बाकी है, थोड़ा वेट कर सकते हैं? बेनी चाचा की वाइफ मौली चाची। बेनी मेरा तीसरा लड़का है जो अमेरिका में रहता है। उन्हें आने में देरी है क्या सनी भाई? मैं अभी उनको फोन करता हूँ। मौली चाची गाड़ी चलाते वक्त फोन नहीं उठाती हैं। आजकल वो शादी की तैयारी कर रही है और मौली को इस बात का घमंड भी है कि वो पैसा कमा रही है, और अमेरिका जाने के बाद तो और ज्यादा। हम लोग भी उससे बहुत परेशान हैं। बेनी चाचा ने डिसाइड किया है कि उसकी शादी बिना दहेज के करेंगे। मैं प्रार्थना करने के बाद निकल जाता हूँ सनी भाई, जब मौली आंटी आएंगी तब केक काट लेना। हाँ ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। बेटा टीवी बंद कर दो। स्वर्ग में रहने वाले हमारे परमपिता, इस घर में खुशियों का माहौल बनाए रखने के लिए और अम्मा जी का 70वां जन्मदिन मनाने के लिए हम आपका आभार जताते हैं। हे परमपिता, हमारी अम्मा जी को हमेशा खुश रखना, उन्हें बीमारियों से दूर रखना और खुशियां उनकी झोली में भरते रहना। आज के दिन खुशी और शांति देना। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। ओ गॉड, मौली आंटी, हमें अभिभूत करो और हमारे बच्चों को सही मार्ग पर लेकर चलो। भगवान तू हमारे घर पर हमेशा खुशियाँ बरसाते रहना। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं। आपकी जय हो यीशु, आमीन। आमीन। बाहर से कैसी आवाज आई? अरे दी, ये तो आपका स्कूटर है। हाँ सॉरी फादर, मुझे लग रहा है बैक व्हील जाम हो गया है। ओह गॉड। सनी तुम्हारे फोन की वजह से ही मैं जल्दी। हाँ गलती तुम्हारी, दोष इस पर। 100 बार से ज्यादा कह चुकी हूँ कि हाफ ब्लाउज मत पहना करो। फादर यहाँ, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगी। चलो अंदर। रहने दीजिए, आज के दिन कोई इशू मत कीजिए, आप अंदर जाइए, केक काटना है। ये गलती से हो गया, कोई बात सॉरी। आप अंदर जाइए, आप शाम की प्रार्थना में फिर आइएगा। मुझे आज शाम की प्रेयर में आना जरूरी है क्या? एक्चुअली शाम को मेरा जरूरी काम है, बैंक का काम खत्म होने के बाद ऑडिट है। ओहो तो बढ़िया होता कि तुम यहाँ आती ही नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, रेंट के लिए आए हैं ना? जस्ट अ मिनट, आइए बैठिए ना। ओह मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। आज कहाँ जाना है मैडम, हड़ताल है, आपको पता नहीं? किस बात की, कल रात तक तो हड़ताल की कोई न्यूज नहीं थी। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, एक ही दिन में 7 रुपया बढ़ा दिया है। कल रात में हड़ताल की घोषणा की गई है, ये तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज में भी आ रहा है, खोल कर देख लो। अरे इसमें तो 450 रुपये कम है। मैंने इस बारे में पहले आपको बताया था ना, बाथरूम की पाइप लीक मेंटेनेंस में प्लम्बर को जो पैसे दिए हैं वो काट कर दिया, इसीलिए कम है। ओके अब मैं चलती हूँ। हाँ ये कौन सा सिस्टम है, तुम वो पैसा इसमें से कैसे काट सकती हो? तुम्हें पूरा रेंट देना होगा। लेकिन अरे मुझे नियम मत बताओ, ये कोई अमेरिका नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था तब हमारी बात हुई थी ना, और इस घर की हालत तो देख ही रहे हैं ना आप। इस घर को दोष मत दो,
मेरे पिताजी ने बनाया था इसे, समझी? खाली कर दो, बहुत रह चुकी हो तुम अब यहाँ पर। मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मेरा मतलब यही था, तुम कुछ समय से ऐसा ही कर रही हो, पाइप प्रॉब्लम, छत प्रॉब्लम, दीवार प्रॉब्लम। सुनो, ये घर बिल्कुल वैसा नहीं है, देखो ये नेम मारा है। घर में कोई दिक्कत है तो छोड़ कर जा सकती हो। फिलहाल अभी आप जाइए सुकुमार भाई, मुझे बैंक जाने में लेट हो रहा है, और वैसे भी एक महीने पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद ही घर छोड़ूंगी। ओह, नोटिस पीरियड, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा सुनिए ना, हम आराम से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ ठीक है। लगता है मौली यहाँ पहले ही आ चुकी है। हाँ, तुमने क्या सोचकर कार बाहर लगा दिया? आज पार्टी वालों ने हड़ताल की है ना, शायद तुम्हें पता ही नहीं है। फिर भी कार को साइड में पार्क कर देना चाहिए था ना, मतलब कि वो छेड़छाड़ नहीं कर पाते। हाँ, उसे वहीं रहने दीजिए, बैंक खोलना रिस्की नहीं है, और हम तो बैंक में काम करने के लिए आए है ना। बात तो सही है, क्योंकि बैंक पब्लिक प्रॉपर्टी है, फुल्ली इंश्योर्ड। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें किसी ने कार में आते हुए रोका क्यों नहीं। कौन रोकेगा मुझे, पार्टी के कार्यकर्ता भी हड़ताल को लेकर उतने सीरियस नहीं है। हड़ताल की घोषणा भी तो आधी रात की गई थी ना, बेवजह आप लोग डरते रहते हैं। US कल्चर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, फियरलेस। जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम क्यों डरे। बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रहा था कि मुझे अपना काम खत्म करना है। श्योर। थैंक्स। तुम कहाँ रह गए थे? बस चाय पीने गया था मैं, बहुत भीड़ थी। तुम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो, जरा इससे सीखो, इसे कहते हैं समर्पण। मुंह खोलो। डॉक्टर, ये स्कूल में खेल रहा था, उसी दौरान इसके दांत में कपूर अटक गया। लगता है कोई नया गेम खेल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? फ्लेमिंग राज। क्या? फ्लेमिंग राज। अच्छा नाम है। और तुम्हारी माँ का? मुल्ला देवी। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए फ्लेमिंग राज? जैसे कि वो कपूर की गोली, हम उसे जला दें क्या? अरे क्या कहा बिंदु, मैं ये बात समझ नहीं पाई कि श्रीलेखा क्या कह रही है। एक मिनट मौली आंटी। वो मौली आंटी है, वो मेरी माँ के दोस्त है। सुकुमार ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ। तुम बस आराम करो। हे, उसने जो कुछ कहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दादाजी को सच्चाई बतानी चाहिए थी। रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है क्या? क्या बात है, कोई प्रॉपर्टी इशू है क्या? मैं क्या गलत समय पर आ गई? उसके साथ कैसा प्रॉपर्टी इशू होगा, कल सीरियल देखने के समय में ही बिजली गुल हो गई थी, इसलिए वो फोन करके पूछ रही है कि सीरियल में कल के एपिसोड में क्या हुआ था। अच्छा ये बात है। कम से कम बिंदु को तो सच्चाई जानना जरूरी है ना। ये जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, उस स्कूल के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? लो, बंदरों की सेना। मुझे पानी पीना है। रखा है बेटा। पता है शंकर और उनकी फैमिली साल में केवल एक बार ही दुबई से आते हैं। माँ क्या है? मुझे कुछ खाने को दो ना। ये मुझे बात नहीं करने देगा, मैं बाद में बात करती हूँ। जब तक आपका ट्रांसफर ना हो जाए तब तक आप यहाँ रह सकती हैं। देखो रेंट ज्यादा ना हो, तुम बता देना कितना, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका बैंक काफी दूर पड़ेगा। मम्मी ने कल कॉल किया था तो यही पूछ रही थी। अरे पहले मुझे घर तो देख लेने दो, अगर कम में मिल जाएगा तो 8 किलोमीटर आने जाने में क्या बुरा है। दिक्कत सिर्फ एक ही बात की है कि आपको यहाँ से ड्राइव करके जाना होगा बस। व्हाट नॉनसेंस, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। हाउस फुल्ली फर्निश्ड है, और आप चाहे तो ग्राउंड फ्लोर पर भी रह सकती हैं। मुझे ये सब नहीं खाना है, मैं दुकान से खरीद कर लाऊं। ये घर शिफ्ट करना भी बड़ा काम है। चलो चलता। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मेरा कोई दोस्त विश्वास नहीं करता कि मैं स्कूल जाता हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन तुम उन्हें लोकेशन पर बुलाओ, उन्हें विश्वास हो जाएगा। ओह, पर ये तो फिल्मी हो जाएगा ना। एक सीन में पोटुंदी बांध के किनारे जीप आकर रुकती है, उसमें 10 बार रिटेक हुआ था। ऐसा है? हाँ। आप भी एक्टिंग क्यों नहीं करते गणेश काका? जब तक हम डरेंगे तब तक वो चली जाएगी, जल्दी जाकर उसे कह दो। उषा ने कहा है कि वो मुझे रोज खाना बना कर देगी, मेन कारण तो यही है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मौली, 2 साल में तुम 8वीं बार घर बदल रही हो। तो क्या सोचते होंगे मौली आंटी,
गणेश काका आ गए हैं। अरे यहाँ आओ अंदर। हे, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? हाँ? जा प्लेट लेकर आ। मौली, मंडे सुबह तक चेन्नई पहुँचूंगा। हाँ। तुम्हारा चेन्नई का टिकट कंफर्म हुआ या नहीं? कंफर्म हो गया है बेनी, तुम चिंता मत करो। एंड आई विल मैनेज। नैन्सी को ये बात बताई क्या? हाँ उसे बता चुकी हूँ। देखो अभी वो सिर्फ काउंसलिंग कर रही है, ठीक है? तुम परेशान मत हो। ओके मौली, आज सुबह ही मुझे ऑफिस पहुँचना है। ओ फिर गाड़ी छोड़ दो और सुबह 8:20 वाली मेट्रो पकड़ लो। ए, हाथ से खा लो ना। हाँ बेनी, टाइगर कैसा है अब? अरे अब तो आ जाओ, मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ और वो वहाँ नूडल खा रहा है। अरे बापरे, मौली आंटी, गणेश काका को जल्दी जाना था। ओ ओ बेनी, तुम प्लीज बाद में फोन करो, बाहर कोई वेट कर रहा है। ओके 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 बाय। तुम्हारे गणेश काका को इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है? वो हमेशा बिजी रहते हैं। वो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। किस फिल्म में? विनोद यात्रा। सच में क्या? पोटुंदी बांध पर शूटिंग चल रहा है। ओहो, ज्यादा सामान लेकर नहीं जाना है। क्या नाम था तुम्हारा? गणेश कुटन। ओके गणेश कुटन, तो तुम यहाँ पर 7 बजे आए हो। हाँ, मैंने सारा सामान पैक करके तैयार रखा है, तुम अभी पैसे की बात कर लो ताकि बाद में कोई बहस ना हो। आप मुझे 2,000 रुपया दे देना। 2,000? सामान चढ़ाने और उतारने में भी तो हेल्प करना है ना, अगर यूनियन वर्कर आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। देखो लोडिंग अनलोडिंग में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे, तो फिर मैं तुम्हें सामान ले जाने का ही दूंगी, ठीक है? भैया, ये सामान उठाने में मदद करेंगे? मैडम ने पहले ही कहा है कि मदद की जरूरत नहीं है, मैं स्टेशन घूम कर आता हूँ। लेकिन हमें जरूरत है। कैसा इंसान है ये? ए, 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 अकेले मत उठाओ, कमर में दर्द हो जाएगा। ए, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, ये ज्यादा भारी नहीं है। हाँ सच में ज्यादा भारी। उसके पति और दोनों बच्चे तो अमेरिका में रहते हैं, तो वो यहाँ अकेले कैसे रह सकती है? उसका हस्बैंड से कोई झगड़ा चल रहा हो, उधर क्या देख रहे हो, अंदर चलो। वो अमेरिका में रहते हैं, फिर भी उन्हें पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी। क्या तुमने वो गारंटी वाला पेपर हेड ऑफिस भेज दिया है? उसे तो मैंने जॉर्ज सर के फाइल में रख दिया। लेकिन था। लेकिन जॉर्ज तो छुट्टी पर थे। कल वो लोग किस समय आ रहे हैं? लंच के टाइम तो नहीं आएंगे? यहाँ मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? खैर छोड़ो, देखती हूँ क्या होता है। हमारे यहाँ गेस्ट आ रहा है और तुम यहाँ उसे बिना खिलाए भेजने का प्लान बना रही हो। नारियल तेल में अपन फ्राई करेंगे, टेस्टी बीफ कटलेट और तुम्हारा एथिक पन, ये उनके लिए जरूर तैयार करेंगे। लेकिन बेनी ने तो बिना उत्पम खिलाए ही मुझसे शादी कर ली थी। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा जोरू का गुलाम है। ध्यान रखना गेस्ट की खातिरदारी अच्छे से हो। हाँ हाँ जरूर होगी माँ जी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, जब मैं फ्री होंगी तो फोन करती हूँ, ठीक है? चलो लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि उनके लिए तुमसे खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तुम लोग फैमिली की बात करने के लिए यहाँ बैठे हो क्या? आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और पहले ही 12 बज चुके हैं। थोड़ी देर रुको, वो आदमी आता ही होगा। जरा सा कॉपरेट भी नहीं कर सकते तुम? ये लोगों के जीवन का सवाल है। एक्सक्यूज मी, एग्जाम फी देने के लिए जो लाइन में लगे हैं वो यहाँ आ जाइए प्लीज। हाँ आ जाइए। ये बहुत अच्छी है, नई आई है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शादी करने के बाद वो अमेरिका चली गई थी और अभी 2 साल पहले फिर से आकर ज्वाइन की है। ये लो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आने में देर हो गई।
मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पहली बार जूता पहना है ना इसलिए। ठीक है चलो आ जाओ। तुम दोनों को काम से छुटकारा पाकर कभी कभी यहाँ से घूमने निकल जाना चाहिए। कम से कम दुबई तो जा ही सकती हो और वहाँ माँ भाई से भी मिल लेना। तुम्हारा भाई वहीं रहता है ना? उसमें बहुत पैसा लग जाएगा मौली आंटी। रवि की क्लिनिक तो अभी अभी जमना शुरू हुई है। अगर हम लोग कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे तो जो पेशेंट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे सलाह दी थी कि बैंक से छुट्टी लेकर अमेरिका जाऊँ। तुम्हें भी रिस्क लेना चाहिए। कम ऑन, अगर अभी एंजॉय नहीं करोगी तो कब करोगी? हम वापस कब चलेंगे मौली आंटी? ठीक से करो, आलसी मत बनो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं। आपको देख देख कर अब ये भी मॉर्निंग वॉक पर आने लगे हैं। अच्छा एनी के रिश्ते का क्या हुआ? माँ जी भी वही सोचा करती रहती हैं। लेकिन वो लोग लड़की के बदले में मुझे ही देखकर चले गए थे। माँ जी को तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तो बस हाँ में हाँ मिलाती रहती। लेकिन एनी की शादी की उम्र हो गई है। एनी और मैंसी से तो मैं हमेशा एक ही बात कहती रहती हूँ, ये डेटिंग वेटिंग तो अपनी जगह सब ठीक है, आपस में खूब बातचीत भी कर लो, लेकिन शादी के बाद के लिए तो कुछ बचा के रखो। हाँ। क्या? समझी। और वैसे भी आजकल के बच्चों के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेनी की प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए कल न्यूज़पेपर में एक ऐड दे देती हूँ, अगर माजी को पता चला कि प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो बवाल हो जाएगा। खैर जो भी होगा देखूंगी। आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? ये क्या है मौली आंटी, अजीब बात है। चारुथा फैमिली में कोई अपनी संपत्ति बाहर के लोगों को नहीं बेचता। क्या बेनी चाचा को पैसे की इतनी तंगी आ गई? हाँ, आज के अखबार में ऐड आ गया है और सुबह से ब्रोकर फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है। इसमें और चीनी लाकर डालो, कभी मेरी बात सुनती नहीं हो। अगर दूसरी जाति के लोग वहाँ आकर रहेंगे तो कैसा लगेगा? ए, बेनी चाचा को फोन करो, चाहे जितने भी पैसे कटे बात करो। लो। बेनी चाचा नहीं, ये सब मौली आंटी ने किया है। मैं तुमसे क्या बोली? ओ सच में अच्छा लड़का है, वो अभी अमेरिका में रहकर अपना पेट पाल रहा है। मौली चाची को क्या फिकर है, वो यहाँ की जमीन बेचकर अमेरिका चली जाएंगी। तुम्हें आज इसका कोई समाधान निकालना ही होगा। इसमें चीनी मिलाओ। ये सब प्लानिंग से हो रहा है अम्मा जी, यही कारण है कि मौली चाची अमेरिका से इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ आ गई है, वरना कोई यहाँ आकर छोटी नौकरी क्यों करेगा। तो मौली मैडम, आप यहाँ और 3 महीने रहने वाली हैं, उसके बाद हमें भी आपकी कमी खलेगी। हाँ, ये नॉर्मल रिटायरमेंट नहीं है, वॉलंटरी है, इसलिए इन्हें दुख नहीं होगा। रिटायरमेंट पेपर साइन करने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे थे। ज्वाइनिंग का दिन आज भी याद है मुझे, कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा होता है, आप किसी भी जगह कितने भी बड़े पोस्ट पर चले जाओ, लेकिन पहली नौकरी से बड़ा कुछ नहीं होता। अब अमेरिका जाने के बाद वहाँ फिर से कोई काम करना है क्या? बिना कुछ किए मैं रह ही नहीं सकती, और अभी तो एनी और मेंसी के एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई करना है। वहाँ पढ़ाई फ्री में नहीं होती क्या? मेंसी मेडिसिन कर रही है ना? वो तो एनी कर रही है ना, मेंसी लॉ पढ़ रही है। ओ। वहाँ कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी है। संगीता भी मेडिसिन लाइन में जाना चाहती है, लेकिन उसके लिए मेरिट लिस्ट में अच्छा रैंक चाहिए। नहीं तो उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है ना, कोई जमीन बेच कर पढ़ा देना। ओ नो, मुझे पोस्ट ऑफिस भी जाना है अभी तो। उसके लिए मैं चला जाऊंगा। नहीं, चेन्नई भेजना है, तुम जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं अभी जाकर आती हूँ। मैंने आंटी आगे पार्किंग कीजिए, दुकान के सामने मत खड़ी कीजिए। ओके आंटी, ऑटो स्टैंड है, यहाँ पार्क नहीं कर सकती हो। सिर्फ 2 मिनट की बात है। नहीं, आप कहीं और जाकर पार्क करो। ओके
अरे ये क्या, ये कहाँ जा रही है? अरे एक कार बैक गियर में लग गया है। रमेश आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ रमेश, जल्दी जल्दी आओ। अरे इधर रुको, रुको कार को, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। अरे रुको, अरे मैडम उठिए, कहीं लगा तो नहीं? मेरे पैर। हाँ बैठिए आराम से। अरे अब एक ऑटो बुला दीजिए प्लीज। मुझे फ्रिज से पानी लाकर दे सकती हो? बहुत टेस्टी है। मन तो कर रहा है तुम्हारी जमकर धुलाई करूं। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मेरे बेटे को बताना तो चाहिए ना। आज के बाद कभी कार को छूना भी मत। ये बिना कार के रह सकती हैं क्या? यहाँ से जाने से पहले इनको बहुत सारा काम भी तो करना है, जैसे संपत्ति बेचने के लिए पेपर में ऐड देना, संपत्ति खरीदने वाले को खोजना। इनको अगर फोन करो तो कभी फोन नहीं उठाती। अभी तो यहाँ खरीदने बेचने की बात ही नहीं चल रही है सनी, और वैसे भी हम लोग उसे पहले ही निपटाने की बात कर चुके हैं। बस बहुत हो गया, चलिए अम्मा जी, इनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। माँ जी, हमें अभी पैसे की बहुत जरूरत है। ये पूर्वजों की संपत्ति है, अगर इसे बेचने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जो चाहे वो करो। गुड मॉर्निंग। बस करो। ओ अम्मा जी, लगता है मौली के लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाई हैं। ठीक तो है ना? अपम और कैरी है, आप खाएंगे? नहीं अभी नहीं, यहाँ से जाने के बाद मुझे वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करना है। कार का हैंड ब्रेक खराब हो गया है, मैं उसे जल्दी ठीक करवा लूंगी। मैं उसे लॉक करना भूल गई थी। अब ड्राइव करने से पहले नांदेड़ के ट्रैफिक पुलिस से ट्रेनिंग ले लो। उनका एक हफ्ते का कोचिंग क्लास चलता है। किस लिए? अब ये यूएस जाने तक ड्राइव नहीं करने वाली। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा माँ जी, मैं अकेले रहती हूँ ना। ये बात तो सही है, और ऐसे भी अमेरिका जाने के बाद तो इन्हें गाड़ी चलाना ही पड़ेगा। अमेरिका में ऐसा मत करना, वहाँ जाकर गाड़ी सही जगह पर पार्क करना। अब मैं चलता हूँ। हाँ। मुझे लगता है तुम्हें कुछ और दिन रेस्ट करना चाहिए। हैप्पी रेस्टिंग डेज। थैंक यू। अरे मौली मैडम, अब बहुत पहले आ गई। पहले कहाँ आई हूँ, 5 बजे ही तो आना था। सब कोई बैंक एसोसिएशन के एनुअल पार्टी में गए हैं। पार्टी थोड़ी ज्यादा देर तक चल रही है इसलिए देर हो रहा है। सब आते ही होंगे। जॉर्ज सर ने भी कहा था कि वो पहले ही आकर हेल्प करेंगे, तब तक मैं इसे दीवार पर लगा देता हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। अरे कोई बात नहीं, मुझे बैंक के लिए कुछ करने का आखिरी मौका मिल रहा है। पकड़ो। मौली मैडम की विदाई, बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा है। मैं मौली के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, फियरलेस, सत्यनिष्ठा, इंडिपेंडेंट। कभी कभी मुझे मौली से बात करने में डर लगता है। पिछले 2 सालों से मौली हमारे लिए गेस्ट की तरह थी। वो गेस्ट अमेरिका से आई थी और अपना कार्य करने के बाद फिर अमेरिका जा रही है। जब बैंक ने इन्हें कहा कि आप एक लंबी छुट्टी लेने के बाद या त्याग पत्र देने के बाद रीज्वाइन कीजिए, लेकिन ये नहीं मानी। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच मौली एक बार फिर से अमेरिका से आकर ऐसे छोटे गांव में नौकरी करेंगी, लेकिन ये हमारे बीच आई और हमारे साथ काम भी किया। मौली फिर से अमेरिका जा रही है, अपने फैमिली के पास, इसीलिए हमें इन्हें भारी मन से फेयरवेल पार्टी देनी पड़ रही है। मौली के भावी जीवन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं मौली को यहां पर बुलाना चाहूंगा, उनके 2 शब्द। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सब लोग मेरे लिए इतना सब कुछ अरेंज करेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोग मेरी अमेरिकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और मे बी आई एम रॉन्ग, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ वक्त बिताकर क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। यू नो, मैं हमेशा से बहुत छोटे छोटे कामों के बारे में सोचती थी, और छोटे छोटे काम से ही बड़े काम में बहुत फर्क पड़ता है।
हमें हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, इतने से ही हमारा काम ज्यादा इफेक्टिव होता है। हम एक बजते ही काउंटर बंद कर सकते हैं, हाँ ये नियम है, लेकिन अगर हम 5 मिनट के लिए भी कम्प्रोमाइज करके एक एक करके खाना खाने के लिए जाएं, तो जो लोग क्यू में खड़े हैं उन लोगों को भी कितनी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी और हम सबका काम भी आसान हो जाएगा, है ना? हमें इसके लिए माइंड मेकअप करना होगा। मैं अपने लिए भी यही कह रही हूँ, आप लोग कोशिश करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो अब तक क्या आप यही पानी पीती हैं? हमारे यहाँ के कुएं का पानी भी शुद्ध है। हाँ, लेकिन इसी की आदत हो गई है, वैसे भी ज्यादा दिन मैं नहीं लूंगी। आपका अमेरिका जाने का समय आ गया है? आ गया है। ठीक है फिर। उन्नी, ये पानी छोड़कर आओ। नहीं नहीं, रहने दो, आई विल मैनेज। इन्होंने आखिरी लाइन क्या बोली? मदद कर दूं? इस उम्र में इतना भारी सामान मत उठाओ, हम लोग हेल्प करने के लिए हैं। बम्पर छोटा है मगर कार अच्छी कंडीशन में है। मदद की जरूरत होगी तो मदद मांग लूंगी अंकल, थैंक्स। ऐसे नहीं, ऐसे। बहन जी, आपके नाम पे एक रजिस्ट्री लाया हूं। नियम के अनुसार तो घर पर देना चाहिए। हाँ तो फिर घर ही लेकर आओ ना। प्लीज, मुझे उतना दूर जाने को मत कहिए मैडम। ठीक है। इनकम टैक्स का केवल 30,000 का नोटिस आया है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने डॉक्टर से सब कुछ ठीक करवा दूंगा। इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा रवि, और मुझे जल्दी फ्लाइट पकड़नी है। डॉक्टर साहब, क्या दांत दर्द में टीवी सीरियल देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकती हो, लेकिन 2 दिन उस तरफ के दांत से कुछ भी नहीं चबाना है, समझ गई ना? चलो। मेरे यहाँ ऐसे समझदार लोग भी आते हैं। रवि, जैसा तुम कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ऑडिटर ये काम अच्छे से कर पाएगा। परम बहुत ही स्मार्ट लड़का है, वो हैंडल कर लेगा। लोकल आईटी ऑफिस पालकड़ में है ना? ओह, ऐसी बात है, वहां जाकर पता करोगी। तुम्हें वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, वहां केवल ऑडिटर से ही काम होता है। और जिनके पास ऑडिटर नहीं होते, उनका काम कैसे होता है? मुझे नहीं पता, बाहर पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, हाउ मच? तो तुम नहीं मानोगी, 300। ये लो। थैंक यू। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मुझे पोस्ट के द्वारा ये नोटिस मिला है। हाँ। इसके लिए मुझे किन से मिलना होगा? वहां उस तरफ। थैंक्स। ये मेरे पिछले 3 साल का 16S फॉर्म है, इसी के आधार पर मैंने खुद अपना ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इशू कैसे हो गया। समझ गया, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको कोच्ची ऑफिस से कुछ मदद मिल सकती है। अच्छा, आपको अमेरिका कब जाना है? 12 अगस्त को। मैंने टिकट बुक कराई है। ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, यू नो, प्लीज ट्राई। आप थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, थैंक यू।
एक्सक्यूज मी, मुझे रात में ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या आपको मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? आप अभी तक गई नहीं? आज दिन भर मैं बिना कुछ खाए पिए आपके कहने पर इंतजार करती रही, आपके लिए कोई मजाक है क्या? मैडम प्लीज बैठिए बैठिए। सॉरी सॉरी, आई रेज माय वॉइस। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन इसमें अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, सिस्टम अभी अपग्रेड हो रहा है इसीलिए थोड़ी देर हो रही है। कोची ऑफिस जाऊँ तो वहाँ मदद मिलेगी, समवन हु कैन हेल्प? जब आपके पास समय नहीं है तो यहाँ वहाँ जाकर क्या फायदा, मैं आपको एक फास्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, उससे आपका काम हो जाएगा। बताइए। अमेरिका की तरह यहाँ का सिस्टम साफ सुथरा नहीं है, यहाँ पर कई सारे लूप फॉल्स हैं, यहाँ की पॉलिटिकल मशीनरी को तो आप जानती ही हैं, यहाँ स्पीड बढ़ाने के लिए पेट्रोल भरवाना पड़ता है, मेरा मतलब है एक छोटा सा गिफ्ट, सिर्फ 15,000 रुपए, आपको जितना नोटिस आया है उसका सिर्फ आधा, मैं बिना किसी को जाने ये 3 दिन में सॉल्व कर दूंगा। आपको मुझसे रिश्वत चाहिए जो आपको नहीं मिलने वाली? मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा क्या? एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए। मैं कोई सांता क्लॉज नहीं हूँ जो आपको गिफ्ट दूं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर से मिलूंगी। यहाँ ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, कोई फायदा नहीं है। तो क्या आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ है? सर अभी त्रिशूर गए हैं, अगले सप्ताह आएंगे। ओह गुड एक्सलेंट। अब यहाँ से चली जाइए, इनके जैसे रोज पता नहीं कितने लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। मगर उसने आपसे वो मांगा है, लिया तो नहीं ना? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मैडम। मुझे रवि से बात करनी है, चलिए। नहीं, यहीं रुको, उसे पता चला तो काम नहीं होगा। आई वॉन्ट टू फाइल दिस केस। मिस्टर शमसुद्दीन ने मुझसे ऐसा कहा या नहीं ये आप पता कीजिए, ऑफिस में कोई तो ऐसा होगा जो सच बोलेगा। सभी सरकारी कर्मचारी करप्ट होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अब मैं भी एक सरकारी कर्मचारी ही हूँ, आजकल ऐसे कर्मचारी मिलते कहाँ हैं? सॉरी मैं थोड़ी जज्बाती हो गई, लाइए मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ यूं ही कह रहा था, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर पता लगाऊंगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैवंट अ होप। ठीक है, लेकिन आगे से वो किसी के साथ ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा, बस इतना ही काफी है। थोड़ी कैविटी हो गई अम्मा जी, मैंने जो पेस्ट दिया था उसे यूज करते रहिए, ठीक हो जाएगा। ओ ऐसा है, इसीलिए जब मैं कुछ खाती हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है। हाँ ये 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 ही रोक दीजिए। माँ जी गुस्से में है क्या? मैंने उनका गुस्सा शांत कर दिया है, तुम फालतू बातों को लेकर बहस मत करना। ठीक है, पहले तुम जाओ। आधी रात तक तुम लोग कहाँ घूम रहे थे? हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन? माँ जी मैंने आपको बताया तो था ना। क्या मतलब, तुम्हारे साथ रहने के लिए 2 दिन पहले नोटिस पब्लिश कराना होता है क्या? लेकिन जो भी करना है अमेरिका में करना, यहाँ नहीं। सनी अपनी फैमिली के साथ वीकेंड ट्रिप पर सिंगापुर गया है, तो अम्मा जी यहाँ अकेली हो गई हैं। ये तो बताओ तुम पुलिस स्टेशन में करने क्या गई थी? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ऐसा है क्या? फिर ठीक है। हमारी फैमिली से कभी कोई महिला पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, मगर अब ये भी हो गया। हाँ ये रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम हो गया। अरे ये तुम क्या कर रही हो, उसे ठीक से साफ करो ना। ऐसी बात है तो आप ही कीजिए, लीजिए। मेरी यही बात सुनने का इंतजार कर रही थी क्या? प्यारी बहू, उसने गलत बर्ताव किया क्या? किसने? जो तुमसे घूस मांग रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं अक्सर वो लोग निकम्मे डरपोक और बेवकूफ होते हैं। आहा, तो यहाँ आकर खाना बनाना शुरू कर दिया? नहीं मैं नहीं, माँ जी बना रही हैं। स्पाइसी मछली बनाने में मास्टर हैं ये। तो मैं जो खाना बनाकर लाई हूँ वेस्ट हो जाएगा ना। मैं तो ये सारा खाना मौली आंटी के लिए लेकर आई थी। ओह इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं बनाया है। ड्राइवर को कह देना सुबह में आकर मुझे दे दे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि अपने बेटे की शादी कम्युनिस्ट आदमी की बेटी से करा दी। देखो माँ जी का मूड खराब मत करो, हम लोग दूसरे रूम में जाते हैं। माँ जी आप यहाँ अच्छे से फिश करी बनाइए, ठीक है? चलती हूँ। चलिए।
माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है वो मेरे खून में ही हो। मेरे पिताजी ने गरीबी और बीमारी के अलावा कुछ नहीं देखा। यहाँ से जाने से पहले मैं अपने माँ बाप की कब्र पर जाना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कब वापस आऊँ, आऊँ भी या नहीं। तुम्हारे पुराने पड़ोसी बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, सावधान रहना। अरे ये क्या है, इन लड़कियों के लिए तुम लंबी ड्रेस नहीं खरीद सकती हो, इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ये लड़की तो इससे भी छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है। अगर ये ऐसे ही कपड़े पहनते रही तो इसे तो अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। माँ जी आप इसके लिए फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी शादी यहाँ पर कर पाऊंगी। फिर जहाँ उनका जन्म हुआ है वहीं, वो जिसके साथ चाहेंगी उसी के साथ शादी कर देंगे। विदेशी से उसकी शादी होगी? हार्ट अटैक वाली बातें क्यों बोलती हो तुम? अरे माँ जी आप सो जाइए, अभी तो शादी में बहुत वक्त है, कौन जाने कहाँ पर हो, यहाँ भी तो हो सकती है ना। मुझे तुम्हारी बेटियों से ऐसी उम्मीद नहीं है, हे भगवान उनकी रक्षा करना। अंडा और प्याज तो है ना, कल नाश्ते में अंडा कड़ी बनाना है। मेरी तो इच्छा ही रह गई हाँ। कि मैं मरने से पहले तुम्हारी हाथ की एक बार काली चाय भी पी लूं मौली, हे भगवान। सबका भला कर। हम यहाँ से टैक्सी लेकर चले जाएंगे मौली आंटी, मुझे ट्रेन पसंद नहीं है, बहुत देर हो जाती है। ट्रेन का सफर मजेदार होता है, बचपन में जब ट्रेन में ट्रैवल करती थी ना तो उस सफर का मजा ही कुछ और था। ऊनी इसकी ठंडी बॉटल्स है क्या? एक दे दो। मेरी माँ वर्कला में रहा करती थी, हम ट्रेन में बैठने के लिए तरसते थे, और विंडो सीट की तो बात ही मत पूछो, तुम भी जरूर बैठना। लीजिए। हाँ थैंक्स। उफ, बॉटल की क्वालिटी तो देखो, इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए किसी को, है ना ओनी? मुझे नहीं पता, आपको ठीक लगे तो खरीद लीजिए। मैडम से जरा संभल कर बातें करना, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगी। चलो कौन है वो बताइए ना, यही वो आदमी है क्या? ये मैडम बहुत पहुंच वाली हैं, इनसे संभल कर बात करना भाई। मैडम ने अभी अभी कंप्लेन की थी, पुलिस ने आकर गंभीर पूछताछ की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। चलो उषा, बहुत जल्दी तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तुम्हारी कंप्लेन से मेरा एक बाल भी नहीं 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 टूटा। रास्ता छोड़ो। नहीं तो इसके लिए भी कंप्लेन करोगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हर दिन किसी न किसी साइज का झगड़ा होते रहता है। हमें जाने दीजिए, मेरे हस्बैंड का क्लिनिक यही बगल में ही है। आप यहाँ से जाइए, मुझे इनके साथ बात करनी है। गुस्से वाली मैडम। मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो। नहीं छोड़ा तो? नहीं तो अगली बार मैं छेड़खानी की कंप्लेन करूंगी, और मुझे यकीन है कि ये कंप्लेन जरूर एक्शन में आएगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। सुना आपने वो क्या बोली, महिला छेड़खानी के आरोप में वो कंप्लेन कर देगी तो आपका फोटो अखबार में छप जाएगा, और कम से कम 10 सालों के लिए आपका नाम बदनाम हो जाएगा, है ना? तू चुप रह। आजकल स्कूल में कृषि मर्चेंट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस सेविंग बना देना चाहिए, या फिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पीएफ देना चाहिए, जिससे हमें इनकम टैक्स के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। असिस्टेंट कमिश्नर से मिलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, केवल कुछ लोगों के चलते पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो गया है। चलो। कम। यहाँ टेंट क्यों लगा है? लगता है कल किसी की शादी थी। यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ये जगह जरा भी नहीं बदली। अब इसमें तो ताला लगा है। इसे पकड़ो जरा, पकड़ो।
मॉली आंटी आप ये क्या कर रही है? ये आ जाओ। हे भगवान, अगर इस उम्र में किसी ने मुझे ऐसा करके देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? जंप करना होगा। आ जाओ। इस उम्र में आराम से। अरे मुझे पकड़ो। हाँ आराम से। हाँ। अरे मौली आंटी, आप तो बड़ी आसानी से आ गई थी। चलो कौन है ग्रेवयार्ड में? कौन है? हैं? चलो। तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ संडे के अलावा आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है? हमें पता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था इसलिए। कोई नहीं था तो अंदर ले जाओगी? अब ये क्या कोई नया नियम है? अपने माता पिता से मिलने के लिए भी हमें कोई दिन तय करना पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात है। कौन हो तुम? मैं वो... क्या हो रहा है यहाँ पर? फादर, मैं यहाँ प्रे करने आई थी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन ये लोग गेट से कूद के आई हैं। मौली, मौली हो तुम? हाँ फादर। ओह इसने ऐसा किया, इसमें कोई नई बात नहीं है। कहाँ थी तुम? अभी तो मैं यही केरला में ही हूँ, लेकिन अगले महीने अमेरिका जाना है मुझे। ओह तुमने इसको पहचाना नहीं जॉनी? इसके पिता मंचू जी कम्युनिस्ट थे जो भगवान से डरते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे यहाँ हर संडे को आएं। आओ। तो ये मंचू चाचा की बेटी है? एक बार वो अपनी बहन को संडे के स्कूल एग्जाम के लिए तैयार कर रहे थे, मगर वो फेल हो गई। मौली ने उस दिन सब कुछ गड़बड़ कर दिया था और तुम गुस्से में डंडा लेकर उसे डांटते हुए उसके पीछे पड़ गए थे, तुम्हें याद है ना? मौली आंटी, आप घर नहीं जाना चाहती? वो घर तो बहुत पहले ही बिक चुका है। देखो, मैं यहाँ पढ़ा करती थी। आहा, अब तो ये हायर सेकेंडरी बन गया है। अब मेरा लगाव केवल अपने माँ बाप की कब्र से है। बैंक में किसी भी तरह का इशू नहीं है, खास करके मौली के केस में। मैंने चेन्नई में क्लेरिफिकेशन के लिए बोल दिया है। लंच तैयार है, अभी गर्म है तो चलो खा लेते हैं। हाँ तो खाना खा लेते हैं। हाँ चलो चलो चलो। ये है परफेक्ट डाइट फूड, मसाला बिल्कुल नहीं और पचने में भी आसान। उषा तुम बैठो यहाँ। मम्मी मुझे थोड़ा सा नूडल्स देना। अरे तुम खुद से ले लो ना। हे ये नूडल्स नहीं है, पास्ता है। खुद आकर दे दो। अरे बाबा ले लो ना। आपके लिए रजिस्ट्री आया है। क्या अंदर बहुत सारे गेस्ट आए हैं? लगता है अमेरिका का वीजा आ गया है। ठीक है, थैंक यू। ओह नो। क्या हुआ? ओके। परम कोयंबतूर में है, वो अगले हफ्ते आएगा। ये स्टेटमेंट उसे स्कैन करके मेल करना होगा।
वो जब भी सुपरमार्केट में जाता है ना तो कुछ ना कुछ गलत होता ही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाँ, अब देखो इनकम टैक्स वालों ने 10 लाख का नोटिस भेज दिया है। मुझे तो लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। फल खा लीजिए। पुलिस के पास जाने का ही तो ये नतीजा है। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये उन लोगों का धमकी देने का एक तरीका है। कल शायद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस आने वाला है। मैं सोच रही हूँ उनसे एक बार मिल लूँ। जब तक परम नहीं आता है तब तक इंतजार करो। लेकिन क्यों? आखिर हमें टैक्स कंसल्टेंट छिपाने की क्या जरूरत है? अगर वो लोग मुझे इतना टैक्स देने के लिए कह रहे हैं तो मुझे पूछना चाहिए ना कि ये कैसे हो गया। लेकिन पहले परम परम आएगा तो देखेंगे, मगर पहले मुझे पता लगाना होगा ना। बेनी को कॉल करती हूँ। लेकिन परम। ओ, चुप रहिए ना। जब देखो परम, परम के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना चाहती हूँ। वो आज आने वाले नहीं है। कल मैंने फोन किया था तो पता चला कि वो आज आने वाले हैं। अगर वो आ भी गए तो भी उनसे मिलना संभव नहीं है। आज वो बहुत बिजी रहेंगे। तुम कल आ जाओ। ठीक है, तो क्या कल उनसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकती है? बहुत जरूरी काम है। जरूरी होगा मगर उससे क्या? अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ज्यादा पुलिस पर भरोसा है तो वहीं जाकर मिलिए। मैंने आपको बैठने के लिए बोला क्या? देखिए, अब तक मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। मुझे आपके साथी के खिलाफ मुकदमा इसलिए कराना पड़ा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ कमिश्नर से मिलने आई हूँ और मुझे उनसे जवाब चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे काएगा गुड मॉर्निंग। अपने अंकल से कहो कि पालकड़ त्रिशूर रोड की जरा मरम्मत करवा दे, 4 लेन्स में बदल देंगे। ऐसा उन्होंने लोगों से वादा किया था लेकिन वादा तो पूरा कर ही नहीं पाए। रोड वैसा का वैसा ही है। मिस्टर प्रणव रॉय। हाँ बोलिए। थैंक गॉड, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। डू यू हैव सम टाइम फॉर मी? सुनो, कौन है ये मोहतरमा? जिसने शमसुद्दीन के खिलाफ पुलिस केस किया था। ओ ओ ओ ओ, ओ तो वो आप ही हैं। ऐसी बात नहीं है मिस्टर प्रणव, दरअसल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वन सेकंड। ये कैसी औरत है मिस्टर प्रणव कहकर बात कर रही है? मिस्टर प्रणव कहके? देखिए मिसेस, आई एम सॉरी, मिसेस मौली ममन। या मौली, देखिए अब आपके बातचीत या बहस करने से आपकी समस्या का समाधान तो होने वाला है नहीं। जमीन के नियम के अनुसार आपको उस जमीन का टैक्स देने की बात स्टेटमेंट के डिटेल्स में लिखी गई है। बट बात जमीन की नहीं है, अगर कोई अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उसके साथ ऐसा करना जायज है क्या? कैसा अधिकार? क्या अधिकार सिर्फ आपके लिए ही है? आपको किसने कहा कि इस ऑफिस के लोग भ्रष्ट हैं? लगता है किसी ने पट्टी पढ़वा दी है आपको। मैंने ऐसा कब कहा? आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, जाइए इनसे, हम निपट लेंगे। डोंट टॉक अबाउट मी लाइक दैट। अगर आपके पास आज वक्त नहीं है तो मैं कल मिलूंगी। कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ के कई सारे बैंक्स में पूरे 35,65,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाले हैं, सही कहा ना? हाँ। जब आप शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रही थी तब आपने क्लेम किया था कि आप NRI हैं, और ये कहकर आपने पिछले 4 सालों से इन फिक्स डिपॉजिट के टैक्स के पैसे भरे ही नहीं। ये बात भी सही है ना? और त्रिशूर में जो आपके पूर्वजों की संपत्ति है वो भी आप बेचने निकली हैं, ये भी मैं सही कह रहा हूँ क्यों? हाँ। आपको पता है कि उस जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए असली दाम से 1.5 लाख रुपए कम दिए गए थे। और पहले आपको 30,000 रुपए का नोटिस भेजा गया था, और वो जो नोटिस का पैसा था वो भी इस अमाउंट में जोड़ दिया गया है। आई होप आप पैसा जल्दी दे देंगी। बट दिस इज अनफेयर। आपने सरकार को टैक्स नहीं देने के लिए सबको मूर्ख बनाने की कोशिश की, और दुर्भाग्य से ये हमारा कर्तव्य है कि हम आप जैसे लोगों को ढूंढ कर लाइमलाइट में लाते हैं। ये सही नहीं है। मैं ये पैसा नहीं दूंगी। अब आगे क्या करना है ये आप खुद सोचिए, नहीं तो बाकी का काम कानून करेगा। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आप अमेरिका भाग जाएंगी तो ये तो होने वाला नहीं है। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। वो तो हो भी नहीं पाएगा। अभी आपके खिलाफ जो इशू चल रहा है उसके लिए अगर आप यहाँ से कहीं बाहर जाने की कोशिश भी करेंगी तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप अपना काम नहीं करेंगी तो मजबूरन कोर्ट आपकी संपत्ति सीज कर देगी, फिर पता नहीं आपको मुक्ति मिले या नहीं। यू मे इवन बी प्रोसिक्यूटेड। What? कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको कम से कम 2 साल जेल में बिताने होंगे आपके गुनाह के लिए। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे काम का समय शुरू हो रहा है।
सिर्फ 15,000 में यह मामला निपट सकता था। अब तुम 15 साल तक भटकती रहोगी ना, तो भी ये मामला नहीं निपटेगा। अब भोगो। मैंने सुना कि मौली को इनकम टैक्स की नोटिस आई है। कोई मुझे साफ साफ बताता भी तो नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मौली अरेस्ट हो जाएगी। सही कहा आपने अम्मा, बेनी चाचा ने भी आज उसे फोन पर बहुत डांटा है। इस परिवार की होने के नाते कम से कम उसे अनुशासन में तो रहना चाहिए। नहीं तो अम्मा, बेनी चाचा को कहिए कि मौली आंटी से तलाक ले ले, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तुम उसे टीवी ऑन मत करना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। गलती इनकी बहू कर रही है, गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। काफी दिनों बाद आ रही है मौली मैडम, आपको यहाँ आते रहना चाहिए था। हाँ, वो थोड़ी बिजी हो गई थी। वो आपकी जगह पर आया है, उनसे मिलेंगे नहीं? जरूर, पहले मुझे मेनन सर से मिलना है, उन्होंने मुझे फोन किया था, बोल रहे थे कोई जरूरी काम है। वो अंदर एक गेस्ट के साथ बैठे हैं। आप यहाँ बैठ कर इंतजार कीजिए, अपना ही ऑफिस समझिए। ठीक है। हाय। हाय। हेलो। आप तो अमेरिका जाने वाली थी ना? हमें लगा कि आप चली गई। अरे अभी नहीं, आप लोगों को बिना बताए कैसे जा सकती हूँ मैं। मैं फोन करके बात कर लूंगा। मौली। मिस्टर प्रणाम, मैं आपसे इसी एक्स एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा था। यही है वो। क्या बात कर रहे थे? तो आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, थोड़ा सा जानता हूँ। तो आपने ही मेरी सारी डिटेल्स इन्हें शेयर की है? क्या, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुको मौली, मैंने क्या गलत कर दिया? ये क्या है प्रणव? ऐसा है, इस उम्र में औरतों को ऐसी दिक्कतें हो जाया करती हैं। ये एक तरह का प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है। मिसेस मौली, जिन पर हमें शक होता है उनका डाटा निकालने का हमारे पास एक अलग सिस्टम होता है। आपका सिस्टम गलत है। मेरे साथ ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल कर दी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? आप जैसे हजारों लोग टैक्स भरने में सरकार को धोखा दे रहे हैं। अब हम सबकी जस्टिफिकेशन तो आपको दे नहीं सकते ना। चलिए अंदर चलकर बात कर लेते हैं। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ मिस्टर प्रणव, आपके अंदर घमंड है। आप एक औरत और उसकी उम्र को लेकर बात करेंगे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप जैसे इंसानों की वजह से ही हमारा देश बर्बाद है। ये आपका अमेरिकन सेंस ऑफ राइटियसनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये सब होने के बाद भी आपको इन सब चीजों से आजादी नहीं मिलेगी। सो एक्चुअली वी आर बीइंग लीनियर्ड। किस आजादी की बात कर रहे हैं आप? जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो मेरे रिश्तेदार हैंडल कर रहे थे, और मुझे बैंक फिक्स डिपॉजिट पर भी टैक्स देना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था। ये पॉइंट तो सच में काबिले तारीफ है, लेकिन आप हमें मूर्ख तो नहीं बना सकती हैं, क्योंकि ये बात नहीं जानना भी ये गलती है, कम से कम हमारी नजर में। एक कॉमन कहावत है कि जो उम्र में बड़े हो और तमीज से बात कर रहे हो तो हमें उनका आदर करना चाहिए। आई एम सॉरी बट फ्रॉड इज अ फ्रॉड, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इंडिया। मिसेस मौली, आपकी तरह जो अपने पति और बच्चे से दूर बिना प्रॉपर फैमिली के रहा करती हैं, वो अक्सर झुझलाहट में रहा करती हैं। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आना तो लाजमी है, लेकिन इसमें हमारा सिस्टम तो कुछ कर नहीं सकता है ना। अगर आपके पास खाली समय है तो दूसरों की हेल्प करने के लिए निकल जाना चाहिए। हाउ डेयर यू, तुम्हें इसके लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। आई चैलेंज यू। देख लेते हैं। ए मिस्टर प्रणाम, रुकिए, सुनिए। अरे ये क्या है मौली, कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? प्रणव के दादा ने फिक्स डिपॉजिट किया था जिसे हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है, वो इसी के लिए आए थे। मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, आईटी डिपार्टमेंट से हैं, इसीलिए मैंने इससे तुम्हारे केस के बारे में बात कर लिया, लेकिन तुमने तो इस केस को और बड़ा कर दिया, शर्म की बात है। मिस्टर मेनन, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया था? तो फिर ऐसी बात है, एम्प्लॉय डिक्लेरेशन में गलत पैन नंबर था,
ऐसा केस हुआ था, लेकिन आपके केस में एक लंबा टैक्स सर्विस भी जुड़ गया है। कल चेन्नई के बैंक ऑफिस से क्लेरिफिकेशन लेटर मिल गया है। मैना ने कहा है कि 26AS फॉर्म सबमिट कर दो, मामला सुलझ जाएगा। उसने कहा है कि वो सब कुछ अरेंज कर देंगे। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब आपके पास एक बहुत बड़ी रकम की नोटिस आ गई है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्लीज किसी भी तरह से मामले को रफा दफा करो, नहीं तो आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तय हुआ है कि मंदिर के मेले में पहला दिन पटाखा जलाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पता। हाँ? सबको शाम में आने के लिए कहा गया है। आशा करता हूँ बिना किसी लड़ाई के सब सफल हो जाएगा। मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, आओगे या नहीं? आऊंगा। एक और बात है बोलने के लिए। हा? एक लेडी बहुत ही अच्छी कथक डांसर है, लेकिन अब वो रिटायर हो गई है। अब हमारी भी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। सुन लिया, जब तक 14 दिन का मेला खत्म नहीं होता तब तक मुझे समय नहीं है आने के लिए। अब पहले की तरह नहीं रहा, चोरियां भी बढ़ गई है। लेकिन ये केस इम्पोर्टेंट है। ओह, मैं तो भूल ही गया, इसके लिए हमें असिस्टेंट कमिश्नर से मिलके क्षमा मांगनी होगी। क्षमा कर दिया तो मामला खत्म। अरे उसकी जरूरत नहीं है, वो लड़का वो अपने आप को समझता क्या है? अब हम लोग लीगली कुछ नहीं कर सकते क्या? अगर हम लीगली जाएंगे तो हमें उतना पैसा देना पड़ेगा जितने पैसे का आपका क्लेम आया है। अगर आपके लिए उतना पैसा कम है तो आप पैसा देकर मामला रफा दफा भी कर सकते हो। लेकिन बात 10 लाख रुपए की है। मैं उतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। फिर तो असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना ही होगा, मैं भी चलूंगा। वो कैसा बर्ताव करता है वो उनके मूड और आपके लक पर निर्भर करता है। बड़े बड़े लोग ऐसे टैक्स के घोटाले करके भी बच जाते हैं, मगर छोटा आदमी घोटाला करके नहीं बचता, वो हमेशा पकड़ा ही जाता है। ये सिस्टम ही ऐसा है। बेनी का फोन है, एक्सक्यूज मी। अगर ये पहले ही टिकट लेकर यहाँ से अमेरिका जाती तो ये सब नहीं होता। आपने ही बताया कि उन्होंने सारी संपत्ति बेच दी है, लेकिन अब तो केस हो गया है। अगर वो यहाँ से पहले ही चली जाती तो ये सब कभी होता ही नहीं। मौली को ये सब समझ में नहीं आता, वो थोड़ा अलग सोचती है। मुझे भी यही लगता है। रवि, तुम्हें उसे कमिश्नर ऑफिस लेकर जाना ही होगा, मैं भी चलूंगा। वहीं कुछ हो सकता है। तुमने मुझसे पूछे बिना ही 15,000 रुपए कैसे ले लिए? वो देवी के लिए है, तुम्हें भी उसमें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। देवी को जिसकी जरूरत होगी मैं दे दूंगी। 101 देती तो भी चलता, इतना देने की क्या जरूरत थी? तुम भी मुझे ही गलत समझ रहे हो बेनी। मौली, तुम इससे बड़ी बड़ी समस्या अकेले निपट चुकी हो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो बोलो, मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। नहीं रहने दो, अब मुझे अपने टिकट कैंसिल करना होगा या मैं वहाँ भाग कर आ जाऊँ। अरे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि तुम दोषी हो। एकदम डटी रहो। मैंने कहा था कोई फायदा नहीं होगा, ये लोग पहले से ही सोच के बैठे हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे। पेशेंट्स क्लिनिक के बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ओहो, सॉरी रवि, हमें चलना चाहिए। तुम पेशेंट को तो बाद में भी देख सकते हो। हो जाएगा ना। वो आदमी देख रहे हो? कौन है वो? वो पलकड़ में एक बेकरी चलाया करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक केस के लिए यहाँ आना पड़ा था। 5-6 साल से वो चक्कर लगा रहा है, तो हम 3 घंटे तो इंतजार कर ही सकते है। हम लोग अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। उषा सर आपको बुला रहे हैं। बाद में फोन करती हूँ। ओके मौली, उनसे अच्छे से बात करना। 316 बहुत ऊपर चला गया है। मे वी कम इन सर? कौन सा? नहीं, मेरे पास पहले से ही हिंडाल को है, उसे रहने दो। पैंटालून के शेयर बेचकर टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीद लो। ओके ठीक है, हो गया। हेलो विनय, शोभा डेवलपर्स को 350 के दाम पर सेल के लिए लगा दो। ओके क्या हुआ? मैं कोलम को दुका एसनाच एसोसिएट्स का एक एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, तो आपसे एक सेटलमेंट की बात करने आए थे। ओ ठीक है, बैठिए, बैठो बैठो। हाँ बोलो, किसका किसका? सेंचुरी टेक्सटाइल्स। हाँ ये तो अच्छा है। हाँ 100 खरीद लो, काम बन जाएगा।
ठीक है, आज सेंसेक्स 400 पॉइंट्स ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ नेट इतना धीरे चल रहा है कि यहाँ से खरीद ही नहीं सकते। हाँ सर, हम लोग भी ब्रोकरेज कंपनी में काम करते हैं। ओह, तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? केसनाथ एसोसिएट्स कोलम कोडू। अच्छा, ये बताओ कितना कमीशन लेते हो? 1% स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पर बात करने के लिए ये जगह नहीं है। ये जगह तो केस डिस्कशन के लिए भी नहीं बनी है मैडम, और आपको ये बात पता तो होगी ना। बोलिए क्या है? मैं डॉक्टर रवि हूँ, डेंटिस्ट। अच्छा, क्लिनिक कहाँ है आपका? सर प्लीज जरा इनका केस सॉल्व करने में मदद कीजिए, बहुत सभ्य महिला है। ये बात है, ठीक है, तो जो बोलना है बोलिए। बोलो प्लीज, बोलो। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि हर इंसान खुद को अच्छा कहता है, मगर किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में पता लगाना हो तो उसे पावर दे दो। आपको पावर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पावर का गलत इस्तेमाल करें। Yes, I have the power and I have the authority. और इसका यूज कैसे करना है ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आप इस पावर का आम लोगों की जिंदगी के लिए पॉजिटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं। I challenge you. पहली बार आपने मुझसे सॉरी बुलवाने के लिए चैलेंज दिया था, पहले वो तो हो जाए, फिर उसके बाद नए चैलेंज के बारे में सोचना, ठीक है ना? बहस करने से कुछ नहीं होगा सर, अगर मौली की तरफ से कोई छोटी सी भी गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ इनकी तरफ से। मतलब आप सभी लोग मुझे सही समझना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरा इस केस से कोई भी संबंध नहीं है। मिस्टर पेरुमल, हाँ। चलो आपको बताता हूँ, हाँ। आप मुझे ऐसा कुछ भी दिखाइए जिससे ये पता चले कि मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ। नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें पैसे देने होंगे, दैट्स द लॉ। तुम हर 5 मिनट में क्यों फोन कर रही हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ ना कि वो घमंडी आदमी सामने बैठा है, रखो फोन। किससे बात कर रही है? वो मेरी वाइफ है सर। बाबू, चाय और 2 क्रीम बिस्किट लेके आना। अम्मा जी, ज्यादा सोचकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी मौली को 1 दिन के लिए भी जेल लेकर नहीं जा सकता है। वहां बैठकर इतना ज्यादा मत बोलो तुम, अगली फ्लाइट पकड़कर तुम खुद यहाँ आ जाओ, केस देख लो और मौली को लेकर फिर वापस चले जाओ। मैं क्या करूँ, देखता हूँ, मगर मौली कह रही है कि मुझे वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा यहाँ टाइगर की देखभाल कौन करेगा? तो तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है, तुम वहीं बैठकर अपने जानवरों की देखभाल करो, मुझसे जितना बनता है मैं उतना मौली के लिए करूँगी। मौली चाची ने टैक्स नहीं दिया तो उसमें आप क्या कर लेंगी? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उस कमिश्नर लड़के से भी मिलूंगी, बगल वाले सेंट थॉमस कॉलेज में उसके पिताजी प्रिंसिपल थे। कैसा है? मैं फादर से जाकर बात करूंगी और चाहूंगी कि चर्च के माध्यम से केस को सॉल्व किया जाए। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेनी चाचा, सिर्फ 10 लाख रुपए की बात है, वो भर कर केस को खत्म कर दीजिए, इससे हमारी इज्जत खराब होने से बच जाएगी। आपने जो संपत्ति बेची थी उसके पैसे है ना, भर दीजिए। वो सब खत्म हो गए हैं, इसीलिए मुझे टेंशन है। पैसे खत्म हो गए? इतने सारे पैसे कैसे? यहाँ कितना रुपया खर्च होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, बच्चों के कॉलेज के फीस के लिए भी बहुत ज्यादा है, इसके अलावा घर और कार का लोन भी देना पड़ता है। कितने लगेंगे? अम्मा जी, आप पुजारी से बात करने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम पैसा देंगे। अरे बेनी, लाइन पर हो क्या? कनेक्शन कट हो गया अम्मा जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तार मत हिलाया करो। अरे मैंने क्या हिलाया है, अभी इस उम्र में मुझे कंप्यूटर सीखना होगा क्या? अरे रे, देखते ही देखते आंखों से कैसे गायब हो गया ये। अभी ठीक हो जाएगा। प्लीज कैसे भी करके इसे कनेक्ट करो। सब झूठ है, इतने दिनों से अमेरिका में कमा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है क्या? मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। वो झूठ क्यों बोलेगा, तुमने पेपर में तो पढ़ा ही होगा कि अमेरिका में मंदी चल रही है। ओह बेचारा मेरा बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, कुछ भी करके उसे बात करो। अरे ऑन तो करो अम्मा जी। मैंने अपने इतने छोटे से करियर में कई बड़े मामलों का समाधान किया है, जैसे विवाह का केस, आपसी झगड़ा निपटाना, माता पिता से संबंधित केस, लेकिन इनकम टैक्स का केस मेरे सामने पहली बार आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना? अगर अम्मा जी नहीं आती तो मैं इस केस में बैठने वाला नहीं था, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। ये इन पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही तो इनका इरादा है, नहीं तो नोटिस का पैसा बढ़ाकर 10 लाख कैसे हो जाता?
आप कुछ कहना चाहेंगे प्रणव? एक उम्र दराज औरत के बारे में ऐसा सुनकर अच्छा नहीं लगता। कमाल है, मुझे इन्हें मुसीबत में डालकर क्या मिलने वाला है बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तलाक के मामले में आप समझौता करना पसंद कर सकते हैं या नहीं? नहीं करेंगे, लेकिन समझौता करना आपका काम है। सिर्फ इस औरत को ही नहीं, मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरी ड्यूटी ही ऐसी है तो मुझे ये गलत काम करना ही पड़ेगा ना। समझ गया। हाँ मौली आंटी, मैं ये बात मानता हूँ कि औरतों को बराबर का दर्जा दिया गया है और ये युग औरतों का है, लेकिन भलाई इसी में है कि इस केस को आराम से निपटा लें। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। कुछ गलत करती हूँ क्या? देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम है, क्लब में मेरा मैच भी चल रहा है। अरे यहाँ पर इतनी सीरियस बात चल रही है और तुम्हें मैच की फिक्र है? कितना घमंडी आदमी है। देखो ऐसी बात मत बोलो। एक मिनट अम्मा जी, मौली आंटी, बाइबिल में भी टैक्स देने के बारे में कहा गया है। मार्कुस का कथन याद कीजिए, जो भी है जीसस है, जो भी दे रहे हैं जीसस को दे रहे हैं, याद आया ना? बाइबल में जो कहा गया है उसे नकार नहीं सकते, लेकिन हमें भी तो कहना चाहिए। बोलो मौली। टैक्स कलेक्टर को लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो लोग उन्हें कैसे सपोर्ट करेंगे? और बिना किसी सपोर्ट के कोई काम बनता है क्या? लेकिन जीसस ने टैक्स कलेक्टर और वेश्याओं के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। जिस तरह मौली आंटी कह रही हैं, अगर हर कोई वैसा ही कहने लगे तो फिर क्या होगा, है ना सनी भाई? नहीं, 10 लाख रुपए कम तो नहीं होते ना, इतने पैसे कहाँ से आएंगे और ऊपर से बिजनेस का इतना बुरा हाल है। मेरे खाते में 1.5 लाख रुपए तो होगा ही, है ना सनी? लेकिन वो तो इमरजेंसी के लिए रखे हुए है ना। देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये ऐसा केस नहीं है कि जिसका निपटारा इस चर्च में आकर किया जाए। अगर मेरे पास पैसा होगा भी तो भी मैं ये पैसा बिल्कुल भी नहीं देने वाली। यहाँ टैक्स देने से क्या होने वाला है? टैक्स देने के बाद भी लोगों को क्या फायदा होता है यहाँ? आपको पता है मैं हर साल अमेरिका में कम से कम 30% टैक्स हर हाल में देती हूँ, लेकिन सरकार वहाँ बेसिक फैसिलिटीज देती है, साफ पानी, रोड, बिजली, वहाँ सरकार हर चीज देती है, लेकिन यहाँ? प्लीज आप यहाँ के हालत के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए मौली आंटी। सुन लिया ना आपने, यही तो इनका एटीट्यूड है, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल करना जानती हैं, लेकिन उसका समाधान बिल्कुल नहीं चाहती। मैं इस 10 लाख रुपए के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो टैक्स की बात कर रही हूँ ना। लेकिन बाइबल में कहा गया है कि... देखिए दुनिया में सब कुछ बाइबल के अनुसार नहीं किया जा सकता। मौली देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अब कानून को अपना काम करने दीजिए। बहुत ही जल्दी मौली आंटी की फैमिली मौली आंटी से मिलने जेल में जाएगी। नमस्ते फादर। चलिए पिताजी। नमस्ते। सुनिए तो उसने लास्ट में मौली के बारे में क्या कहा, वो जेल जाएगी। ओ जीसस क्या करूं। माजी क्या हुआ? आप मेरा पानी लेकर आएंगे? देखो ना माजी। माजी विल्सा कपिया रे माजी। क्या हो गया माजी? माजी इधर आओ। माजी माजी डॉक्टर ने क्या बोला? माइनर अटैक आया है, चिंता करने की बात नहीं है, उन्हें समय पर डाइट लेने की जरूरत है और अम्मा जी ये सब करती नहीं है। हर समय हमें उन्हें खुश रखना होगा, तभी अच्छा होगा। लगेज डिक्की में रखना चाहिए था, इसमें कोई कीमती सामान है क्या? मैं टैबलेट लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वाइफ ने मना किया, बोलती है उसका क्या करोगे, अब मैं उसको क्या बताऊं? अब उसे क्या पता, मैं तो बहुत जल्दी आ गया इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं सका। यहाँ भी अच्छी कंपनी है, यहीं से ले लेंगे। लेकिन हम उसे अमेरिकन सामान तो नहीं कह सकते ना? अरे ये सब तो पुरानी बात हो गई, अमेरिका में क्या रखा है? इसमें क्या है दिखाता हूँ बेटे, बाहर आओ। कम कम कम। ए आवाज मत करना, ये तो भड़क जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही एक आदमी पर भड़का था। ये तुम्हारे गुरु का पैतृक गांव है, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बोल कैसा लगा, अमेरिका अच्छा था या फिर केरला अच्छा लग रहा है? आ गया तू बेटा। वाह ये सब क्या है? बेनी कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा अम्मा जी, मैं आ गया हूँ ना, चिंता मत, अब कुछ भी नहीं होगा, समझ रही है ना? ठीक है। तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैं इतनी बीमार हूँ फिर भी इसे लेकर आ गए तुम। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा अम्मा जी, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। टाइगर चलो चलो तुम लोग बाहर जाओ। अंकल एक बात पूछूं क्या? ये फ्लाइट पे श्वास किसे ले रहा था? जितनी सुविधाएं इंसानों को नहीं मिलती उससे ज्यादा इन्हें मिलती है, यहाँ की तरह बिल्कुल नहीं। अमेरिका में लोग पालतू जानवर से बहुत प्यार करते हैं। सनी जरा फोन करके पता करो कि मौली चेन्नई से अभी चली या नहीं। आप आने वाले हो ये जानते हुए भी मौली आंटी को चेन्नई जाना जरूरी था क्या? वो ये सोचकर नहीं गई होगी, उसे कोई काम आ गया होगा।
फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप जाकर तैयार हो जाइए। लो मैं लगाता हूँ। ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, मैं तुमसे 12 साल के बाद मिल रही हूँ बेटा, तुम और समय नहीं रुक सकते क्या? अम्मा जी फ्लाइट का खाना कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। फ्लाइट का टॉयलेट जरा कंजेस्टेड रहता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं। तुम एक बार फिर फोन ट्राई करना। मजा आ गया, असली चाय तो यही है। मेरी हर सुबह की शुरुआत इन्हीं की दुकान की स्पेशल चाय के साथ होती है। थैंक यू चितल चाचा, कितना हुआ? मेरा यहाँ खाता चलता है, महीना खत्म होता है तो मैं एक बार दे देता हूँ। लो, यहाँ पर चाय पीने के तो और भी फायदे हैं। जैसे चाय पीते आधे समय रास्ते में भगवान अय्यप्पा के दर्शन भी हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आयुर्वेद से मसाज करने वाला एक लोकल हॉस्पिटल भी है। रवि, मैं प्रणव से मिलना चाहता हूँ। इसलिए? हमारे पास ना तो यहाँ पर कोई घर है और ना ही संपत्ति, ना बैंक डिपॉजिट है। कोर्ट ने हम लोगों को दिवालिया घोषित कर दिया, तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। मैंने सब देख लिया, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मौली खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। वो ओवर स्मार्ट नहीं है, उसका व्यवहार ही ऐसा है। अगर देखा जाए तो हर घर में मौली की तरह कोई ना कोई होगा। अगर हम इस बात से चिंतित होने लगे तो हमें हमेशा उसका साथ देना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा। ये बात हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन ये तो मौली का गुण है। हमें मौली की तरह ही लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अब तो मैं भी 5-6 सालों से यही करता आ रहा हूँ। यही कारण है लोग तुम्हें जोरू का गुलाम कहकर बुलाते हैं। आप मौली को अपने पालतू जानवरों की तरह प्यार करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको अपने पालतू जानवरों के साथ जीना सीख लेना होगा। मौली के नसीब का निर्णय तो हो गया है। लाइट को भी 8 बजे ही कटना था। हमारा बिजली विभाग इन सब मामलों में बहुत लापरवाह है। गरम है क्या? नहीं, बहुत ठंडा है। चाहे कुछ भी हो, मुझे तो यही लगता है कि तुमने कमिश्नर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। मेरे सामने उसकी बात बिल्कुल भी मत करो। हा? क्या दिक्कत है? हमें यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि तुम्हें जेल होने वाली है। मुझे जेल जाने से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें आखिर इस दुनिया में किस चीज से डर लगता है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं सब समझ गई हूँ। अगर मैं जेल चली जाऊंगी तो तुम अमेरिका में बैचलर की जिंदगी जियोगे। मैंने ठीक कहा ना? तुम मजाक मत करो, मुझे एक बार प्रणव से मिलने जाना होगा। उससे क्या होगा, जेल होती है तो हो जाने दो। जेल जाने के बाद मेरी जिंदगी की ये सीक्रेट इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बहुत तगड़ी इच्छा है तुम्हारी। अच्छा मौली, अमेरिका में हमने इससे भी खतरनाक लोगों का सामना किया, उसके सामने तो शायद ये कुछ भी नहीं है। मुझे शायद ऐसा ही लगता है, मैं सही कह रहा हूँ ना ये? अच्छा आर्किटेक्ट ने जो बजट दिया है प्लीज उसे जरा देख लो ना, कम से कम इसमें 30% का अंतर है, और ये भी मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मौली तुमने किस तरह चेन्नई में आर्किटेक्ट से लड़ाई की थी यह बात बाबू ने बताया था। आखिर तुम जहाँ भी जाती हो तो लफड़ा ही क्यों करने लग जाती हो? वॉशिंगटन में बिना टिकट के लिए झगड़ा किया था, फाइन ना देने के लिए कोर्ट तक चैलेंज करने गई। आखिर तुम इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो? वो सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत तेज थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? और लोगों के भीड़ में पड़ोसी से झगड़ा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? उसके बाद उसके फैमिली ने कभी मुझसे बात तक नहीं की है, समझी तुम? ठीक तो है, ऐसे पड़ोसी के साथ बात ना हो तो ही अच्छा है। मैंने उसके स्विमिंग पूल में सूखा पत्ता डाल दिया था जिससे पूल गंदा हो गया था। इन सब के बावजूद तुम्हारे बिना मन नहीं लगता था वहाँ। अगर तुम कोई नई प्रॉब्लम खड़ी करोगे तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। हमें आपस में प्यार और झगड़ा किए 10-15 साल तो हो ही गए है ना। देखो सही बात कहा ना, तो लाइट भी आ गई। ए ईशु, 15 साल हो गए हैं। ओह, मुझे नहीं लगता कि तुम उससे पहले मरोगी। बेनी। एक छोटा सा क्लब है, इसकी तुलना अमेरिका के क्लब से मत करना।
मैं भी खेल सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, ये गेम के बाद खेल सकते हैं। Hey! Well played. एक और मैच खेलना चाहोगे क्या? अमेरिका से खिलाड़ी आया है। हाँ जरूर, मैं तो तैयार हूँ। मैं बेनी। हाय प्रणव। Oh, good shot, man. Good shot. सेट मैच। नॉट बैड। अंकल आप उतने बुरे नहीं खेलते, लेकिन आपका खेलने का तरीका ऑर्थोडॉक्स है। यू नो आप ओल्ड फैशन मेथड से खेलते हैं, लेकिन जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, पर मुझसे जीतना आसान नहीं है। उम्र भी तो आग लगाने वाली है ना बेनी? मैं आता हूं। अभी भी मेरे अंदर जोश की कमी नहीं है, लेकिन मुझे टेनिस का कोई ऑर्थोडॉक्स मेथड पता नहीं है। लेकिन चलो एक और मैच खेल लेते हैं। आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं अंकल? इसके लिए स्टैमिना बचा भी है आप में। सुनो, उम्र और स्टैमिना में बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं होता है। यहाँ खड़े होकर डायलॉग मत मारो, रैकेट उठाओ और चलो खेलते हैं। हाँ? अरे बाप रे, आप तो बुरा मान गए। बस मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, तुम तो टेनिस का मजाक उड़ा रहे हो। मैं पिछले 20 सालों से रोज टेनिस खेलता रहा। एक अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है क्या? इट्स अबाउट फॉर्म मैन, टेक्निक। तुम्हें क्या पता? तुम पालकड़ के एक छोटे से क्लब में खेलते हो और तुम मुझसे टेनिस के बारे में बहस कर रहे हो। मैं हर साल US ओपन टेनिस स्टेडियम में बैठकर लाइव देखता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई लाइव मैच देखा है क्या? फेडरर, नडाल और जोकोविच के साथ मेरा क्या संबंध है, तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे आप US ओपन और फेडरर वगैरह की बात कर रहे हैं। छह, आपको लगता है कि जो लाइव मैच देखा करते हैं वो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं क्या? हमारे यहाँ तो हर कोई क्रिकेट मैच लाइव देखता है, तो उन्हें तो तेंदुलकर बन जाना चाहिए। कितना आसान है। बेटा तुमने सिर्फ एक छोटी सी दुनिया ही देखी, इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हाँ, इस छोटी सी जगह से मैं बहुत ही खुश हूँ। अमेरिका जाकर किसी विदेशी का अकाउंटेंट बनने से अच्छा है कि मैं यहीं पर अपने लोगों के साथ रहकर उन्हें के साथ एंजॉय करूंगा। तुमसे बहस करने से मुझे क्या मिलेगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी छोटा सा भी गलत काम नहीं किया, मगर तुम तो पूरे के पूरे भ्रष्ट हो। ए, सोच समझ के बात करो। तुम किस तरह के आदमी हो? तुम सिर्फ एक निर्दोष औरत को टैक्स के जाल में फंसाना चाह रहे हो। टैक्स? हाँ, हम लोग खून पसीने से पैसा कमाते हैं, वर्षों लग जाते हैं पैसा जमा करने में, मगर तुम उस औरत की खून पसीने की कमाई को खत्म करना चाहते हो। तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, मतलब उसने अपने हस्बैंड को भेजा है बोलने के लिए? हाँ, यही समझ लो। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम मौली का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। मैं उसे लेकर अमेरिका उड़ने वाला हूँ, उसके बाद तुम क्या कर लो? बड़ा आया टेनिस खेलने वाला। क्या हुआ, कुछ तो बोल। क्या मैटर है? ये मैटर बड़ा हो चुका है। अब तुम इस केस में कोई कठोर कदम उठाने के बारे में सोच रहे हो क्या प्रणव? मौली के हस्बैंड ने खुद मुझसे कहा है कि वो लोग यहां से अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या रास्ता बचा है? देखो, पासपोर्ट डिटेलिंग लीगल नहीं है, और ऐसे ही केस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
अगर पार्टी वाले कोर्ट में जाकर बहस करेंगे और केस जीतेंगे तब तो ऐसा ही होगा ना। डू यू हैव समथिंग पर्सनल अगेंस्ट मॉली? मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मौली ने इस केस को लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश ना की हो। ऑफिस में, बैंक में, यहाँ तक कि चर्च में भी। उसकी सासुमा भी उसके साथ थी। ऐसा लगता है कि वो लोग इसके बदले मेरी शादी ही तोड़वा देंगे। हंसी आ रही है तुम्हारी बात सुनके। लेकिन आईटी ने जो समन्स भेजा है वो इस सब के लिए नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। क्या हुआ सर? हाँ, चाहे कोई भी आए लेकिन हमें ड्यूटी करनी है। हाँ, वो तो है। मैं कल यहाँ नहीं आऊंगा, पिताजी की इच्छा पूरी करने धाम जा रहा हूँ। जो काम पेंडिंग पड़ा है वो अगले हफ्ते कर दूंगा। बाएगा बाबू को ये बताना बहुत जरूरी था। हाँ, मैं उससे बात कर लूंगा सर। उस औरत के साथ भी वही होगा। मैं समझ गया, बाएगा बाबू। टाइगर धराओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। विशु के 15 दिन बाद मेला मनाया जाता है। वो एक परंपरा है। ओ। शाम में 14 दिन तक दिए जलाए जाते हैं और उसके उजाले में कथकली डांस होता है। मगर मेरे लिए कुछ और जरूरी है। उस फेस्टिवल में बहुत मजा आता है। लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं। अरे अनिल, समय से शुरू हो जाएगा ना। हाँ। देखिए, ये औरतों की बैठने की जगह नहीं है। ओ, सॉरी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। डांस देखने आ जाना। ठीक है। अगर औरत यहाँ बैठ जाएगी तो क्या होगा? अब यहाँ भी कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना, चलो। अच्छा रवि, यहाँ की स्थानीय भाषा में खड़े होने को चलना कहते हैं क्या? यहाँ पर ऐसी फनी बातें होती रहती हैं। क्लब में प्रणव से मिलने गए थे, क्या हुआ? बेनी को उसके नेचर के बारे में पता चल गया है। ओ, तो मतलब काम नहीं बना ना? काम तो नहीं हुआ, यहाँ तक कि रोजर फेडरर भी एक ऑफ डे में कुछ नहीं करता है। ओरो, नो नो, इसे लाओ जरा। ये सब क्या है? अरे कोई बात नहीं है अंकल, वो साफ सफाई करने वाले आदमी कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ये एक धार्मिक जगह है ना, फिर इसलिए। रवि सुनो, एक न्यूज मिला है। क्या? मौली आंटी का पासवर्ड रद्द करने के लिए कमिश्नर ने आईटी कोर्ट को नोटिस भेजा। क्या? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? मुझे आईटी डिपार्टमेंट से पता चला, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आपको पासपोर्ट सरेंडर करना ही होगा, ये नियम है। ओ, फिर अब क्या होगा? हमें जितना जल्दी हो सके किसी वकील से मिलकर कानूनी कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ पैसे देने का सवाल बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अबाउट प्रूविंग अ पॉइंट। मैं उसे ऐसे ही नहीं जीतने दूंगी। ये कैसा पॉइंट है? यहाँ सवाल तो टैक्स का पैसा भरने का ही है ना। अगर कोर्ट का समन आता है और ये पता चले कि मौली नाम का कोई है ही नहीं तो क्या कर लेंगे वो? तुम धर्म परिवर्तन के बारे में सोच रही हो? अम्मा जी को पता चलेगा तो सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। देखिए सर आने ही वाले, सुबह में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए देर होगी, तब तक आप अंदर बैठिए। मौली, काफी कमाया इन्होंने। मौली, तुम ही हो ना? मैं सिर्फ बात करने आया हूं, तलवार की जरूरत नहीं है, वहीं रख दो, आ जाओ। एडवोकेट सलीम? हाँ मैं ही हूं। ये सब सिर्फ ड्रामा है, दिखाने के लिए है।
मैं ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। हर साल स्टेज पर लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्य मिलते हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ। इस बार ड्रामा 10वें स्टेज पे पहुँच चुका है। राइटिंग की वजह से मैं कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया, वरना तो मैं स्कूटर से अफरा तफरी करता। वैसे कल रात को कोशिश की थी तो मैं टकरा गया। हाँ, उस मैकेनिक ने क्या कहा भाई? आगे का टायर खराब हो गया है। मैकेनिक कह रहा है कि जब तक पहले का पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो बाइक ठीक नहीं करेगा। ये वकील तुम्हारे लिए परफेक्ट है मौली। आपका केस मैंने स्टडी किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए यही सोचकर तो हम लोग आपके पास आए हैं। वैसे एक बात बताओ, आपको ये फुलिश आइडिया किसने दिया कि धर्म बदलने से काम हो जाएगा? फॉर्मेलिटी के लिए कई लोग धर्म बदल लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? पुराने नाम की सारी जिम्मेदारियां नए नाम पे ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो धर्म बदलने से क्या फायदा? जिम्मेदारियां तो वहीं के वहीं रहेंगी ना। ओके, क्या हम इस केस को फीमेल हैरेसमेंट केस में बदल सकते हैं? आईटी ऑफिस के कर्मचारी ने मुझे कई बार परेशान किया है, पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? उस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पैन नंबर गलत लिखकर रिटर्न फाइल कर दिया तो इसमें बैंक को गवाह बनना पड़ेगा। अब आप ही बताइए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। आप काफी समय से उस बैंक की मेंबर रही हैं, अब उस बैंक को कोर्ट में क्यों घसीट रही हैं? अपराध तो बैंक ने ही किया है ना, ये मेरा पॉइंट है। वैसे आज तक किसी ने मुझे ऐसा पॉइंट नहीं समझाया कि केस में कोई फर्क पड़ जाए। ये सब छोड़िए वकील साहब, अब ये बताइए आगे क्या करना है। देखते हैं ना, वैसे कुछ केसेस कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जब मैंने मौली के केस के बारे में सुना तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, और अब इंटरेक्शन हो गया तो काम आगे भी बढ़ेगा। वैसे मेरे अगले ड्रामा की सेंट्रल कैरेक्टर मौली ही रहेगी। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। यही तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं केस लड़ूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो 35 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए थे और बैनी की प्रॉपर्टी बेचने पे जो 25 लाख मिले थे और मौली के रिटायरमेंट का जो पैसा मिला था, वो सारे के सारे पैसे आखिर गए कहाँ? हमने बताया ना, सारा पैसा खत्म हो गया है। लेकिन कहाँ खत्म हुए, यही केस का मेन पॉइंट है। अपने वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहीं आपने वो सारा पैसा एनआरआई अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं कर दिया? हम सही कह रहे हैं, ये सच्चाई है। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि सारा पैसा दो बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो गया तो कौन सा कोर्ट ये बात मानेगा? अगर ये बात सही भी है तो आपको टैक्स में छूट तब मिल सकती है, लेकिन आप तो बीपीएल कैटेगरी में आते नहीं है। वकील साहब, आप हमें प्रॉब्लम बताने के बजाय उसका सोल्यूशन बताएंगे तो बेहतर होगा। सोल्यूशन आसानी से नहीं मिलेगा, आपके इस केस में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो हमें आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की डिटेल्स पूरी तरह से चाहिए होगी, तभी सोल्यूशन निकलेगा। और ये सब पता चल गया तो मैं ये केस लड़ूंगा। आपको लगता है कि मिसेस मौली पूरी तरह से निर्दोष हैं? मौली यहाँ के सिस्टम से खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन मेरा उनसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। तुम लिखते हो क्या? क्या कहा? एक्चुअली मैं लिखता हूँ, क्रॉनिकल में मेरा कार्टून तो देखते होंगे, तीरंदाज। ओ, तो वो आप लिखते हो? अगर तुम कोशिश करो तो तुम भी लिख सकते हो, इससे भाषा भी शुद्ध हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी नौकरी से बहुत संतुष्ट हूँ। मिस्टर सलीम मर्चेंट, देखिए जिम्मेदारी निभाने वाले एक कलाकार भी दुनिया में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका क्लाइंट गरीबों का दुश्मन है, जिसने सरकार को धोखा देकर अपनी संपत्ति को विदेश में ट्रांसफर कर दिया है, जो यहाँ के गरीबों के साथ अन्याय है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? जो पैसा तुम लोग टैक्स में वसूल करते हो वो पैसा गरीबों के पास जाने की बजाय नेताओं की जेब में चला जाता है, तो मुझे ये बताओ कि उससे किस गरीब को फायदा हुआ? लेकिन हाँ, एक बात मुझे समझ में आ गई कि तुम्हारी मौली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये केस आप जीत ही नहीं सकते, मैं इस केस में एक भी लूप होल छोड़ने वाला नहीं हूँ। शी इज लॉस्ट। हम भी देखेंगे, अगर वो बिना टैक्स दिए यहाँ से भागना चाहती तो वो आराम से भाग सकती थी, और तुम उसे छू भी नहीं पाते। वो ये केस इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष है, और यही वजह है कि मैं ये केस लड़ रहा हूँ। गुड डे मिस्टर प्रणव रॉय। बहुत बोल रहा था, कौन था? मौली मेनन का वकील आया था।
इसे भी पैसे दे दिए होंगे उसने। ये भी बिल्कुल उसी कैटेगरी का लगता है। देखो क्या होता है। ईसीजी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अम्मा जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करे, ये हम लोगों से इतना डरती जो है। तुम्हें किसने कहा कि मैं डरती हूँ? मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ और तुम इसके लिए अभी से सपना भी मत देखो। मौली आंटी से मिलना है। मौली आंटी अभी खाना खा रही हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ। आप उनसे कहना कि सलीम मर्चेंट आया है। मैं मौली जी का वकील हूँ। कौन आया है? मौली आंटी के वकील थे, अब सिर्फ पुलिस का ही आना बाकी रह गया है। कल तुम दोनों सुबह के ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। ऑफिस में? हाँ। किस लिए? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मैंने तभी कहा था ना कि तुम्हारा ये केस इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे पता था कि इस केस का सलूशन मैं ही निकालूंगा। आप घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे पॉइंट पर आइए। सीधे पॉइंट पर? हाँ। मैंने पूछा था कि तुमने सारा पैसा कहाँ खर्च किया है। बेहतर होगा कि आप मुझसे ये सब बात पूछे ही मत। मौली की दूसरी शादी से एक और बच्चा है, सारा पैसा उसी बच्चे पे खर्च किया गया है। ज्यादा बोलोगे तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरे दांत तोड़ देने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? ज्यादा बोल रहा है ये। बेनी, तो इतना सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद आपको बस इतना ही पता चला? ओ नो। अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ? अम्मा जी, क्या हुआ? इसका अवैध बच्चा भी है क्या? छोड़िए, वो पागलों की तरह कुछ भी बकवास कर रहा है। कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हेलो, मिस्टर प्रणव राय बोल रहे हैं। बोलिए। मैं वकील सलीम मर्चेंट बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे पहचान गए होंगे। बोलिए, क्या बात है, बताइए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या कल सुबह 9:45 मेरे ऑफिस आ सकते हैं? अच्छा, तो सारी टेक्निक्स फेल हो जाने पर अब आप नया पैंतरा आजमा रहे हैं। आप आए या ना आए ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें कहनी है जो आपकी फैमिली और नौकरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कुछ क्लियर एविडेंसेस हैं। अगर वो ओपन हो गए तो बाद में मुझे दोष मत देना। बॉल इज इन योर कोर्ट। हेलो, हेलो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? ए, वो एडवोकेट सलीम मर्चेंट। कौन? अरे वही पागल जो क्रॉनिकल में लिखा करता है। सलीम? अरे आप उसे पागल कह रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत स्मार्ट आदमी है, उसे सोच समझ कर बात करना, नहीं तो आपको फंसा देगा। वो लोगों को पहले भी अपने जाल में फंसा चुका है। हाँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑन टाइम अराइवल। सरकारी कर्मचारी टाइम पे आ जाए तो देश सुधर जाएगा। बैठिए। आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है, बताइए, जो मेरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है?
जरा मैं भी तो देखूं। एक मिनट। इसे देखो। क्या है ये? तुम्हारे पापा ने पिछले 5-6 सालों में जो टैक्स रिटर्न भरा है वो है ये। इसमें बहुत सारी गलतियां, उन्हें मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, आराम से देख लो। चर्च को दिया हुआ दान, जमीनों की गई डील, दुबई में बहन के एनआरआई अकाउंट में भेजे गए सारे पैसे की डिटेल्स, ये सब मिला के खाते में करीब 6.5 लाख की गड़बड़ी है। कितनी बुरी बात है। और आप तो इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अगर इसे देख के किसी ने केस कर दिया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, कम से कम सस्पेंशन तो होगा ही, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे क्रॉस वेरीफाई भी किया था। लगता तो नहीं है। कुछ कानून हम भूल जाते हैं और कुछ का पालन हम नहीं करते हैं, खास तौर पे तब जब सामने वाला कोई अपना हो। मेरा मतलब ये नहीं कि आपने जानबूझ के किया है, आफ्टर ऑल ह्यूमन इज एरर। अगर तुम या मैं किसी को फंसाना चाहते हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए। और क्या आप ऐसा ही कुछ मेरी मौली आंटी के केस में नहीं कर रहे हैं? अरे वाह, आ गई, बहुत लंबी उम्र है, बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। लगता है इस ड्रामे का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए, हम लोग बाद में आते हैं। नहीं नहीं, बैठो मौली, बैठो, एक और कुर्सी है। जाओ बैठो। अम्मा जी कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगी, ज्यादा नहीं वाइल्ड अटैक था ना? कुर्सी आपको लेकर नहीं आना चाहिए था, आप वकील हैं, हम यहाँ जरूरत से आए हैं, इसलिए। इतना मत सोचो, मुझे भी थोड़ा माइल्ड अटैक आया था जब मुझे आप लोगों की स्टोरी के बारे में पता चला, लेकिन अटैक स्वीट था। कैन यू प्लीज कम टू द पॉइंट? हाँ प्लीज, आप मुद्दे की बात कहिए। आप लोग हड़बड़ी करेंगे तो कैसे चलेगा, मुझे बोलने दो। कल जो बात मैंने कही थी वो सच थी, मैंसी और एनी के अलावा मौली के और भी बच्चे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 50। देखना चाहोगे? ये देखो। कहानी क्या है वो मैं सुनाता हूं। एक आम और अच्छे मलयाली की तरह बैनी और मौली अमेरिका में जिंदगी बिता रहे थे। इनके बच्चे, उनकी पढ़ाई, काम और छोटी मोटी पार्टीज में इनकी जिंदगी बड़ी मजे से गुजर रही थी। लेकिन फिर सन 2004 में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। उस दिन भारत में सुनामी आई थी। अगली सुबह चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, कई लोग मर गए थे, कई करोड़ों का नुकसान हुआ। मौली की दो फ्रेंड्स चेन्नई में रहती थी, मौली को उनकी चिंता होने लगी। मौली की दोनों फ्रेंड काला और साफिया थी, दोनों मौली के साथ स्कूल में पढ़ती थी। और उस दिन चेन्नई में 131 लोग मारे गए थे, जिनमें काला और उसके पति भी शामिल थे। साफिया ने मौली को फोन करके ये बात बताई, तो उसके बाद मौली को काला के बेटे के बारे में चिंता होने लगी, जो अब अनाथ हो चुका था। साफिया जो पहले से बहुत गरीब थी, उस बच्ची का बोझ नहीं उठा सकती थी, तो मौली ने खुशी खुशी उसे अपना लिया। लेकिन मौली जो पैसा स्पॉन्सरशिप के लिए भेजा करती थी, उसका दुरुपयोग होने लगा, जिसका पता मौली को 6 महीने बाद चला। वहाँ का एक लोकल आदमी जो शेल्टर होम चलाया करता था, उसे सरकार से भी सब्सिडी मिला करती थी, तो वो न सिर्फ उस पैसे का दुरुपयोग करता था, बल्कि शेल्टर होम की आड़ में बच्चों से मजदूरी भी करवाता था। जो कि मौली और बैनी से देखा नहीं गया, और उस वजह से दोनों ने मिलकर ये काम खुद करने का फैसला किया। उन्होंने खुद बच्चों के लिए अपना शेल्टर होम बनवाना शुरू कर दिया, और पैसे के लिए मौली और बैनी ने छुट्टी के दिनों में एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, ताकि वक्त पर वो इंडिया पैसा भेज सके। ये लोग उन बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, ताकि एक दिन वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इस तरह से मौली और बैनी एक असाधारण दंपति बन गए।
उन्हीं दिनों मौली को केरला में एक बैंक में रीजॉइन करने का लेटर मिला। उन्होंने दो कारणों से बैंक दोबारा ज्वाइन कर लिया। पहला, मौली को बैंक की नौकरी करने से हर तरह की सुविधा मिलने वाली थी, और दूसरा, चेन्नई में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उसकी देखरेख भी कर सकती थी। इसी वजह से दोनों ने इस उम्र में अलग रहने का निश्चय कर लिया। इनके फिक्स डिपॉजिट और रिटायरमेंट से जो भी पैसा मिला वो सब इन्होंने उन बच्चों पर खर्च कर दिया। जब इनके पास पैसे कम पड़ने लगे तो मौली ने अम्मा जी से लड़कर अपने पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा करवाया और फिर उसे भी बेच दिया, क्योंकि ये एक कॉमरेड की बेटी जो है, शी इज प्राउड ऑफ इट, क्यों है ना मौली? तो आपने सब पता कर लिया, कहां से मिली ये जानकारी? चेन्नई में तुम्हारी फ्रेंड साफिया से मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साफिया, शुरू शुरू में तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसको पता लगा कि मौली को जेल हो सकती है तो उसने सब कुछ खुद बताना शुरू कर दिया। हर किसी की अपनी एक कहानी होती है मिस्टर प्रणव रॉय, बिना कुछ जाने समझे किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, समझो, पूछो फिर कुछ कहो। अभी तक ये सारी बातें मेरे बच्चे भी नहीं जानते, लेकिन अगर वे जानेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए हम उसे यहां लेकर के आएंगे। फोटो में बच्चों के मुंह पर मुस्कान खिली हुई देखकर जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में नहीं कह सकते, इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिंदगी में जितना हो सके खुश रहना चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? किस लिए? उन बच्चों को इस केस में घसीटकर उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? हमने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिसे हम दिखा सकें कि पैसा आपने ट्रस्ट में खर्च किया, फिर ये सब बताने से क्या होगा? सबूत की जरूरत पड़ेगी और उसे एक तरीके से हासिल भी किया जा सकता है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है। किस तरह का प्रूफ? बच्चों के साथ ये सब करने से उन्हें सिंपैथी मिलेगी, आप ये सब मीडिया के सामने लाना चाहते हैं? मैं तैयार नहीं हूँ। पब्लिसिटी से मौली को हमेशा छिड़ रही है, मेरी माँ को अगर ये सब पता चला ना तो वो दिमाग खा जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपकी कहानी से कुछ लोग प्रेरित हो भी जाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। करेक्ट, इतना ही नहीं, हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि सारा पैसा इसी में खर्च हो गया और इसे आईटी डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा के कोर्ट में सबमिट करना होगा, और अगर जल्द ऐसा नहीं किया तो भगवान भी मौली को जेल जाने से नहीं बचा पाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? होगा, बिल्कुल होगा, और इसके लिए हमें छोटी सी पब्लिसिटी करनी होगी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं। ज्यादा मत सोचो, सहमति दे दो, ये इंडिया है, यहाँ जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप अचानक बदल कैसे गए, कुछ हुआ था क्या? हाँ, कुछ बहुत दिलचस्प बातें पता चली। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो सच में बहुत ही कम है। स्ट्रेंज पीपल। मैं ये सबूत पेश करने के साथ अदालत से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट मौली पर जो आरोप लगे हैं उन्हें खारिज किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। फैसला आने से पहले मौली, आप कोर्ट से कुछ कहना चाहेंगी? मैं नहीं जानती कि जो कहूंगी पता नहीं वो लॉजिकल होगा या फिर प्रैक्टिकल, लेकिन मैं एक आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूं। मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आने वाले समय में जो लोग सीक्रेट तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं उन्हें संविधान ऐसा करने की इजाजत दे। दरअसल मुझे लगता है कि समाज सेवा सीक्रेट ही रखनी चाहिए, नहीं तो लगेगा कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ तक
हमारे यहाँ के कानून में वैसा कोई प्रोविजन नहीं है। जब चैरिटी जैसी चीज बिजनेस या प्रदर्शन का रूप धारण करती है तो मददगार अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है और उसे अच्छा नहीं लगता ये सब। जब मेरे बच्चे किसी अनाथ या मददगार का चित्र बनाते हैं तो वो मीडिया या टीवी से उसका एविडेंस प्राप्त करते हैं, जो कि मददगारों के फ्यूचर पर गहरा, बहुत गहरा असर करता है। मेरा बस इतना ही अनुरोध है, यही कहना चाहती थी। देखो, विदेश जाने के बाद भी बैनी और मौली हम भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे, जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलते। आखिर हमने जो फाइल सबमिट की थी उसे देखकर कोर्ट ने मौली के केस को खारिज कर दिया। वाह, वो संपत्ति मेरे पोते की होनी चाहिए, फादर ने कहा, इसलिए तो मैं माफ कर रही हूँ। बाइबल में कहा है दाएं हाथ के दान का बाएं हाथ को पता ना हो। देखिए माँ जी कितनी चेंज हो गई है, ऐसा क्या मैजिक कर दिया है आपने? हम जीवन में हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए। एक दिन आएगा जब सबको हमारे बारे में खुद पता चलेगा। करेक्ट, और जस्टिस होकर रहेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, और आप सबको 5 बजे ड्रामा देखने आना है। आई एम सो सॉरी, आज शाम नहीं आ पाऊंगी, आज शाम मुझे डेट पर जाना है। डेट पर? माँ जी, ये डेटिंग अमेरिका से आया है, इसमें दो लोग इत्मीनान से किसी जगह पर बैठकर समाधान निकालते हैं। वो ऐसा होता है भविष्य के बारे में। तो अमेरिका के बारे में जितना बुरा सोचती थी उतना बुरा नहीं है। लेकिन मौली, आपको किसके साथ डेट पर जाना है? पालकड़ में इतनी अच्छी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं थी, मुझे पहले ही आना चाहिए था। प्रॉपर साइन बोर्ड भी नहीं है, कैसी जगह है? अब देखिए मौली, इसमें पॉइंट निकालकर मुझ पर गुस्सा मत करना। ये जगह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत आती है, अब जब मुझसे केस खत्म हो ही गया है तो फिर इन लोगों के साथ आराम से लड़ सकती हो। अब इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। अब आगे आप क्या करेंगी? कल चेन्नई जाना है, वहाँ बच्चों के साथ रहूंगी, उसके बाद एरिजोना। पता नहीं फिर कब आ पाऊँ। बेनी वहाँ पर टेनिस और एसोसिएशन के काम में बहुत बिजी रहता है। You know, I actually might miss you. हाँ? क्या सच में? हाँ क्यों नहीं, मौली आंटी मेरे लिए एक रॉकिंग एक्सपीरियंस रही है। रॉकिंग? हाँ। आपकी कहानी सुनकर तो मैं हैरान रह गया। अगर तुम मुझे मिस करोगे तो एक आइडिया है मेरे पास जिससे हम मिल सकते हैं। कैसा आइडिया? एक इंडियन अमेरिकन लड़की से शादी करने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। अच्छा, मतलब आपकी बेटी? हे भगवान, वो भी आपकी तरह ही निकल जाएगी। अच्छा तो मैं 2 कदम दूर ही रहूं, मुझे बख्श दीजिए। मैं वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ बनकर दिखाऊंगी।